सजाई है ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है ये वो और नई है सुबह नौ सूरज उभरा एक नई फिजा छाई है ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़िम मलिक, आपके साथ ये वो सुबह नौ का आगाज़, एक और नई सुबह के साथ एक और नया आगाज़। और आज जो हम बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी के हवाले से कि ये देखिए कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको बड़ा टैलेंट है, इतना टैलेंट कि आपके सामने नज़र भी आ रहा होता है वो टैलेंट, और थ्रू ई कॉमर्स के जरिए तो कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें इंटेलिजेंट की जो कहते हैं ना कि आपको जो नज़र आने वाली बात है वो आपको जब इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा काम भी आपको मिलने लगता है तो वो समझ आती है कि वाकई कोई काम हो रहा है। और स्पेशली एप्लीकेशंस के हवाले से आपने देखा जो स्मार्टफोन है उसमें एप्लीकेशंस का आजकल बहुत काम है, हर कोई नई नई एप्लीकेशंस जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं और ऐसी एप्लीकेशंस जो आपके काम भी आए वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और स्पेशली हर फील्ड में आप देखें अब एप्लीकेशन के बगैर आपका जो है वो गुजारा भी नहीं होता, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी चाहे आपको अपनी किसी पर्सनल जरूरत के लिए हो, आपके अपने जॉब के हवाले से हो या आपके अपनी किसी कंपनी के हवाले से हो, आपके चाहे घरेलू मामलात हो जिस तरह आपका जो है कुछ घर पे कोई चीज़ खराब हो गई है, इस तरह प्लम्बिंग का काम होता है, कभी कारपेंटरिंग का काम होता है, उसके हवाले से भी बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई हैं। और ये हमारे वो सारे यंगस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के हवाले से वो काम कर रहे हैं। अब आप यही देख रहे हैं कि हम जब यही देख रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर भी आप हमारे सेट में भी गहमा गहमी देख रहे होते हैं और अक्सर ये जो जितनी भी चीज़ें हैं कि हम देखते हैं कि ये वो डॉट कॉम के हवाले से भी जब हम बात करते हैं तो वो भी समथिंग न्यू कुछ नया है आपके लिए। और वो भी ये है कि आपको कोई चीज़ मंगवानी है तो वो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और ये ऑनलाइन चीज़ें जो हैं ये आपको ईजिली अवेलेबल भी होती हैं ये वो डॉट कॉम से, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो हम ज़िंदगी की आसानी की हमेशा बात करते हैं और आज भी हम ज़िंदगी की आसानी की ही बात कर रहे हैं। और हम कई इदारों में ऐसा भी देख रहे होते हैं कि जितना भी काम हो रहा है वो बड़ा अपग्रेड काम होता है, बड़ी अपग्रेड चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो अपग्रेड इसी वजह से है कि नई टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो नई टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से आगे हम बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखिए। अब बल्कि अब तो हर चीज़ के बारे में पता भी चल जाता है फौरी तौर से। अब ये देखें आजकल मौसम माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त हो गया है पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली बर्फबारी हर जगह पर हो रही है और नॉर्दर्न एरियाज़ में तो बड़ी खूबसूरत बर्फबारी हो रही है और फटाफट आपको फ्रेंड्स तस्वीरें भी भेज रहे होते हैं, कोई वीडियो बनाकर भेज रहा है, वन ऑफ माय फ्रेंड वो एबटाबाद में है, उन्होंने फ़ौरन से वीडियो भेजी, तो इतना खूबसूरत मौसम वो नज़र आ रहा होता है कि हर जगह पे आप वो फील भी कर रहे होते हैं चीज़ें कि वाकई आप खुद नहीं हैं वहाँ पर लेकिन एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स वहाँ पर मौजूद हैं और वो आपको बड़ा अपग्रेड कर रहे होते हैं हर चीज़ के हवाले से। तो वैसे हर चीज़ में आप ये देखें कि हर चीज़ में अगर आप एक चीज़ नोट करें कि अगर आपको ये फील होता है कि कहीं पर धुंध ज़्यादा है या बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वक्त ट्रैवलिंग जो है वो सही नहीं है, तो आप ट्रैवलिंग उस टाइम पे ना करें, मतलब अपना भी आपने ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा जहाँ पे बर्फबारी हो रही थी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। कल मैं वैसे एक चीज़ देख रही थी कि एक छोटे से बच्चे को लेकर जो है ना एक माँ जो है वो जा रही थी बाइक पर, लेकिन वो उसने कैप भी नहीं पहनी हुई थी, नज़ला बच्चे का निकल रहा था, तो मुझे बड़ा सा फील हुआ कि जरा बच्चे को थोड़ा सा कवर शवर करके आप निकलें, तो कहीं पर भी जाएं तो स्पेशली बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चे और बूढ़े, क्योंकि बच्चे भी सेंसिटिव होते हैं और बूढ़े भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो आप दोनों जो है ना ये अपना बहुत मतलब बच्चे का तो बड़े ख्याल रखेंगे लेकिन बड़ों का भी जो है ना वो बड़े ख्याल रखेंगे, तो उनका भी ख्याल रखें कि वो अच्छी तरह से वो कवर अपने आप को करें। बड़े ज़रा ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं बच्चों की तरह, बच्चों से भी बल्कि ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, नहीं हमने शॉल नहीं लेनी, नहीं हमने नहीं हम सही हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन देखिए जब सर्दी आती है ना तो उस वक्त ठंड लग रही होती है आपको फील नहीं होता, लेकिन अपने आप को कवर आप ज़रूर रखें ताकि बीमार ना हो, आपको सर्दी लग रही हो नहीं लग रही हो, कराची वाले तो वैसे ही फील जो है ना वो करना छोड़ देते हैं सर्दी को, तो आप लोग तो स्पेशली अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर रखें। हाँ कुछ ऐसी यखनी वगैरह आप ज़रूर पिए ताकि आप थोड़ा अच्छा आपके अंदर वो गर्माइश भी आए, और कहते हैं ना गर्म मसाला बड़ा अच्छी जो आपके अंदर फील लेकर आता है, आपके खून की रवानगी भी बड़ी अच्छी करेगा। पानी पीना नहीं छोड़ें, हमारे साथ एक दफ़ा डॉक्टर साहब भी आए तो उन्होंने यही बताया था पानी
पीते रहें, चाहे जितनी भी ठंड हो थोड़ा थोड़ा करके पानी और हल्का सा मतलब नीम गर्म पानी भी आप पी सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड में, तो आपके लिए पानी आप ज़रूर पिए। तो आज हम बात करेंगे उसी नई टेक्नोलॉजी के हवाले से, एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी होंगे उनको भी हम दावत देंगे ताकि वो आपको बता सकें कि कितनी सारी और नई चीज़ें बन रही हैं, कितनी सारी और नई एप्लीकेशन बन रही है, स्मार्टफोन का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। वैसे अगर हम देखें तो बहुत से लोग ये कह रहे थे बड़े नुकसान भी हैं, हर कोई जो है देखिए एक आप सोशल मीडिया में अपने आप को बड़ा स्ट्रांग रखने की कोशिश करते हैं, फेसबुक वगैरह हो गई, सारी चीज़ें हो गई कि आप हर चीज़ के कहते हैं ना कि आप अगर उसे सही तौर से इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो सही रहेगा, लेकिन आप एक्सेसिव में किसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं होता। कोई भी चीज़ है, आप चाय ज़्यादा पीना शुरू कर दें तो नुकसानदेह हो जाएगी, आप कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे तो वो नुकसान करना शुरू कर देगी, इवन आप जो है आप ग़िज़ा ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। तो कोई भी चीज़ ज़्यादती किसी की हो जाए ना तो नुकसान करने लगती है, लेकिन जहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है उसका उस हद तक उस लिमिट तक फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। वैसे अक्सर अवकात यही कहा जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहती हैं मोबाइल पर, जबकि ऐसा नहीं है, मर्द हजरात भी एक्टिव रहते हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है फ़ौरन से जो है वो फ़ोन पे जो है वो देखना शुरू कर देते हैं कि सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ पर क्या क्या जो है आजकल इनपुट्स देने हैं, कहाँ पे अपने स्टेटस डालने हैं। लेकिन यह है कि फिर भी वही वाली बात आती है, जहाँ पर इस्तेमाल की बात है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आज हम देखते हैं कि फौरी तौर से हमें कोई चीज़ मालूम करनी होती है, लिटरली कल मैं किसके हाँ मैं मछलियों के बारे में जानना जा रही थी, तो मैंने बहुत सारी मछलियों के बारे में जाना कि कौन सी मछली कितने फ़ायदे वाली है, तो मैं आज मैं वो तो ज़रूर बताऊंगी कि जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो किंग फिश जो है ना सुरमई बहुत ज़्यादा फ़ायदे की मछली फ़ायदेमंद मछली है, और सैलमन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, वो मछलियाँ हैं और जो खानी चाहिए ताकि आप अच्छी सेहतमंद रहें। बाकी मछलियों में कुछ ना कुछ अच्छी बुरी हर किस्म की चीज़ होती है, लेकिन ये वो मछलियाँ हैं जो एक्सट्रीम में फ़ायदा आपको देगी। तो ये वो सब मैं मछली खरीद रही हूँ और मैं पड़ी चली जा रही हूँ मछली, और मैं वो मछली वाले को बता रही हूँ कि देखिए इस मछली में ये फ़ायदा है, इस मछली में ये फ़ायदा है, और वो भी कह रहे हैं हाँ बाजी ये तो बड़ा अच्छा है कि आप हमें बताती जा रही हैं, इन्फॉर्मेशन देती। तो ये मैं सोच रही थी कि ये नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा यहाँ पर ही बहुत है कि आज तक हमें कोई बताने वाला नहीं था कि किस चीज़ में कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, जब तक आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट को ना बुलाएं या उनसे बात ना करें। लेकिन ये कि अब आप जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन खुद भी निकाल सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, और इतनी टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर आपको ये नहीं मालूम कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, तो फिर तो मतलब वही वाली बात है ना कि आपको खुद पता होना चाहिए कि हर चीज़ में क्या है किस तरह है, तो सब चीज़ें हम मालूम करेंगे तो उसके हवाले से। लेकिन ये कि जो एप्लीकेशन की बात हो रही है, नई जनरेशन की बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले दावत दूंगी उमैर काजी को कि वो तशरीफ लाएं, सुकून.com से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आज हमने बड़ी सारी बातें बताई हैं नई नई टेक्नोलॉजी के हवाले से और हम कितना फ़ायदा उसे उठा सकते हैं अपनी आम जिंदगी में, और सुकून.com भी कुछ आम लोगों के लिए आम जिंदगी के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो पहले तो बताइए है क्या? बेसिकली सुकून.com.pk एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, बेसिकली हम लोग वहाँ पे हैंडीमैन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हैंडीमैन सर्विसेज के मुताबिक हम इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, मेसनरी सर्विस हैं, जो आपको आम दिनों पे यूजली आप हार्डवेयर शॉप्स पर जाते हैं वहाँ पे लोगों से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप आएँ, वे बुकिंग करवाएं जिस दिन चाहिए जितने बजे चाहिए, वेरीफाइड बैकग्राउंड चेक वर्कर्स मिलेंगे, आपको आराम से बुकिंग करवा सकते हैं। कौन कौन से वर्कर्स आपको मिल सकते हैं? इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, पेंटर की सर्विस है, एसी टेक्नीशियंस है, मेसन है, ये सारी सर्विस जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए। अच्छा, ये सब जितने भी आपने बताए हैं जो वर्कर्स हैं, ये आप लोगों से कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं? ये बेसिकली आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट करके? बिल्कुल, हमारा एक प्रॉपर इंडक्शन प्रोसेस होता है, 3-लेयर इंडक्शन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम वर्कर्स को इंडक्ट कर रहे होते हैं। ये बेसिकली कुछ वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी हम वर्कर्स को कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। हमारी एक प्रॉपर एक वेंडर ऑनबोर्डिंग टीम है जो कि इन वर्कर्स को बेसिकली जो स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं जो हार्डवेयर शॉप्स पे बैठते हैं उनको इंडक्ट कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपरली इंडक्ट करते हैं, इनको पूरा पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, इनकी टेक्निकल असेसमेंट होती है, इनके चेक करते हैं कि आधे टेक्निकली साउंड और नॉट, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर बन रहा होता है, राइट? तो उसके लिए आपको पहले जाहिर सी बात उनका टेक्निकल असेसमेंट लेना पड़ता है, प्रॉपर चेक करना होता है कि हाँ ये मतलब एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, काम करें करें, एट द सेम टाइम इनके पूरा बैकग्राउंड चेक हो रहा था कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। वंस दे आर डन, उस क्लियर हो जाता तब वो ऑन बोर्ड हमारे आ रहे होते हैं। अच्छा, ये बताएंगे आइडिया कैसे आया इतना जबरदस्त आइडिया? आइडिया के पीछे एक बेसिकली फनी सी स्टोरी है, मैं और मेरे को फाउंडर है, ठीक है, हम लोग बेसिकली हम लोग का जो बैकग्राउंड है एक रॉकेट इंटरनेट कंपनी, वहां से हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग रात को कॉफी शॉप पे बैठे हुए थे,
आइडिया डिस्कस करते हैं आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि आजकल हर कोई स्टार्टअप की बात कर रहा है, हर कोई स्टार्टअप, हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हमने कहा इसी मजाक में उसको जोक करा कि यार आजकल हर कोई कपड़े वगैरह आपके जो है ऑनलाइन सब सेल हो रही है, तो तुम एक काम करो ऑनलाइन मास्क या इलेक्ट्रिशियन वगैरह बेचना शुरू कर दो। एट द टाइम इट वॉज अ जोक, हम लोग उसको मजाक हमने ट्रीट किया, लेकिन ये वो थोड़ा सीरियस हो गया कि यार बात तो सही है इस मार्केट में, मतलब डिमांड तो है, फिजिबिलिटी वगैरह उसके दिमाग में बनाई कि हाँ यार ये वर्कआउट हो सकता है डेफिनेटली। तब उसने मुझे आइडिया पेश किया कि उमेर के मेरे दिमाग में आइडिया है, लेट्स डू इट। मैंने कहा हाँ इससे है तो फीजिबिलिटी इज गुड, मतलब प्रॉफिटेबल भी, मतलब फायदेमंद है, बाय करना चाहिए। दैट्स वेयर वी स्टार्टेड ऑफ एन आइडिया। 2014 की बात है ये, हमने अपना आइडिया स्टार्ट किया उस टाइम पे, ये आइडिया वाली बात बिल्कुल आइडिया स्टार्ट किया। हमने जब फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था 2014 बकरा ईद पे लॉन्च किया था, हमने लॉन्च की थी बुक बुचर ऑनलाइन सर्विस, बकरा ईद थी ऑनलाइन बुचर हमने सर्विस लॉन्च कर दी। वो लोगों को बहुत वायरल वाज डेफिनेटली, लेकिन ये कि फायदा उनको होता है जो समझते हैं इस बात को कि भाई हमें किस तरह से एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है, जो जरा मतलब अब आप आजकल देखें ना कार का भी जो है टैक्सी, अब आप जो है ऑनलाइन टैक्सी मंगा लेते हैं, दैट्स आल्सो सो कूल कि इजीली आप जो आपको भागना नहीं पड़ता टैक्सी ढूंढने के लिए, वो आपके घर पर आती है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें बड़ी बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन अगेन वही चीज, जिसको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, जो इस्तेमाल करना चाह रहा है, क्योंकि देखिए स्मार्टफोन तो अब हर कोई जो है वो इजीली ले भी सकता है, कोई मसला नहीं है। तो ये आपका आप लोग का आइडिया, लेकिन उसके बाद फिर कामयाब हो गया, जैसे मैं वही बता रहा हूँ, बुक बचत सर्विस ऑनलाइन हमने की, हमने फेसबुक वगैरह मार्केटिंग की, हमने ठीक ठाक, ठीक है हमारी, मतलब बकरे से 2 से 3 दिन पहले हम लोग वीओपी बुक्ड, हम लोग की सारे तीनों दिन के स्लॉट्स बुक हुए थे, सब कुछ बुक थे हम लोग के। तो दैट्स वेयर वी, हमारा आइडिया बेसिकली वैलिडेट हुआ कि हाँ भाई वाकई में ऑनलाइन मार्केटिंग की या ऑनलाइन मार्केट की पाकिस्तान में डिमांड है। ठीक है, लोग वाकई में, लोगों को बेसिकली आजकल के जमाने में इतना आपके बिजी स्केड्यूल होता है, किसी का टाइम नहीं होता, एवरीवन वांट्स कन्वीनियंस, राइट? तो कन्वीनियंस आपको ऑनलाइन बुकिंग पर आती है, इंस्टेड ऑफ आप बाहर जाओ बुकिंग करवाओ उसी काम में भी। बिल्कुल, और यही सिर्फ नहीं बल्कि आपको नई अगर इन्फॉर्मेशन भी हासिल करनी है आजकल के जमाने में, अभी आजकल जो है हमारे पाकिस्तान में कौन कौन सी नई खबरें, पाकिस्तान के इंटरनेशनली भी बड़ी जबरदस्त खबरों के हवाले से एक और ऐप भी है जो मैं फायजा को दावत दूंगी कि फायजा जफर तशरीफ लाएं और बताएं कि पढ़ लो डॉट कॉम आखिर है क्या। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने भी पढ़ लो डॉट कॉम पढ़ लिया। कैसी हैं आपकी चाकें? अच्छा, एप्लीकेशन या ये वो वेबसाइट है? इट्स अ वेबसाइट। ओके, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट बाय द वे, क्योंकि कल मैंने सिर्फ उसको सिर्फ गो थ्रू हुई थोड़ा सा और मुझे इतनी खबरें पता चल गई कि मुझे घंटों टीवी के आगे बैठना पड़ता था और खबरें मालूम करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये है कि 2 मिनट में मुझे वो सारी खबरें जो है वो सामने आ गई। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे ख्याल आया कि मतलब क्योंकि खबरों के हवाले से बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन आपकी जो इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि शॉर्ट 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 बहुत सारी खबरें एक साथ थी, बट सो डिफिकल्ट कि एवरीडे आप नई नई चीजें लेकर आए, नई नई खबरें लेकर आए। तो ये पहले तो आइडिया बताएं कैसे हुआ? आइडिया एक्चुअली पढ़लो का आइडिया ऐसे था कि इट वॉज इनिशिएटेड बाय 2 पीपल। तो उन्होंने यही सोच के किया था कि हम लोग जो है लोगों को लिखने का शौक डालें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दें जहां पे इनका जोर दिल आए, वो अपनी थॉट्स आगे आगे लिखें। ओके, तो हम लोग को लगा कि यूथ के लिए स्पेसिफिकली कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं जो कि उनके इंटरेस्ट की सारी चीजों के बारे में बात करे, उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस करे या जिस चीज में उनको इंटरेस्ट है वो चीज आगे करे। अच्छा, तो इंटरेस्ट जो है वो बेसिक इसका मतलब मकसद क्या है कि यूथ अपने दिल की बात लिख सके, लेकिन कुछ भी लिख दे या चेक एंड बैलेंस होता है? अच्छा, उसमें ये है कि हम थोड़ा मॉडरेट करते हैं। प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट यूथ एम्पावरमेंट, कि हम उनको लिबरेट भी कर रहे हैं, उनको ये मौका दे रहे हैं कि अगर उनके कोई इश्यूज हैं, सोसाइटल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और वो यूथ को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम उसको बहुत मॉडरेटली उनके सामने फॉरवर्ड करते हैं ताकि कोई अफेंड भी ना हो और उनको मैसेज भी पहुंच जाए। ऑलराइट, ओके ओके। तो ये जो खबरों का सिलसिला होता है ये क्या होता है, पूरी जो न्यूज वगैरह दी जाती है? जी, खबरों का ये कि वी आर नॉट लाइक अ न्यूज पब्लिशिंग हाउस, तो हम लोग जो है जितने भी इंटरेस्ट की पीसेज होते हैं, कोई चीज ट्रेंड कर रहा हो या जिसके बारे में यूथ बहुत ज्यादा बात कर रही हो या देख रही हो, हम वो चीजें पीसेज उठाते हैं, उनको उस फॉर्मूले में लेके जाते हैं जहाँ पे यूथ उसको पढ़ सके, उनको समझ में आए, उनको अच्छा लगे और फिर हम उसको तो सारी इंटरेस्टिंग खबरें थी इसी वजह से। अच्छा, ये सारे जो है ये लिखता कौन है, आप लोग के यहाँ पे जो खबरें हैं वो कौन लेकर आता है और उसको ऑथेंटिक उसको देखने के लिए पीछे कितनी टीम आपकी काम कर रही है? हमारे पास इन हाउस ऑलमोस्ट अब तो माशाल्लाह 10 से 15 लोग हैं। इसके अलावा हमारे पास 1000 वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो ऑफ एंड ऑन हमारे लिए
लिखते रहते हैं, हमें कंट्रीब्यूशन सेंड करते हैं, हम उसको मॉडरेट करते हैं, उनका फॉर्मेट सही करते हैं, वी पब्लिश करते हैं. ठीक है. अच्छा, हमारे साथ शोएब इकबाल भी, उनको भी हम दावत देंगे सुकून.com से, आपके ही फ्रेंड है ना. सलामकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं, ठीक ठाक है, प्लीज हेल्प मी. लगता है बहुत ज्यादा आज ठंड हो रही है कराची में, काफी ज्यादा ठंड हो रही है. प्लीज बैठ तो जाए, इसलिए कि आप थोड़ा लेट हो गए. जी जी बिल्कुल, बड़ी मात्रा कराची का ट्रैफिक भी आपको अंदाजा है. एग्जैक्टली. अच्छा, सुबह नहीं था ट्रैफिक, मुझे लगता है एकदम वो जब थोड़ा सूरज निकल आया तो फिर जो है ना फिर लोग निकल आए. लेकिन ये कि अच्छा मौसम है और एवरीवन इज एंजॉयिंग, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं मौसम कराची का. और चेंज, कराची में सर्दी आई है. अच्छा, वैसे मौसम जब चेंज होता है तो क्या करते हैं, क्या मतलब चेंजेस क्या आते हैं जिंदगी में? सबसे पहले तो आई थिंक कपड़े चेंज होते हैं. अच्छा नहीं, यहाँ पर एक भी बड़ा मसला है कि वो सोच के अच्छा सर्दी है, जैकेट निकालें? अच्छा नहीं, पता नहीं बाहर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे. अच्छा शुक्र है, जब मैं बाहर गई तो लोगों ने सबने पहना हुआ था, तो मैं ऑकवर्ड फील नहीं कर रही थी कि मैंने भी जैकेट पहना, वरना तो अक्सर ये शर्म आ रही होती है कि एक ने पहना बाकी. अच्छा, आपको कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है, तो ये सबका जो जुमला, हाँ जी लगती है सर्दी, क्या करें? अभी तो आई थिंक उस किस्म का मौसम है कि सुबह काफी ठंड है और दोपहर में जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है. बाहर जाए तो हवा गंदी वाली हवा चल रही है, वो जो एक आध दिन उसका असर रहेगा, असर रहेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा. लेकिन ये अच्छा है, थोड़ा चेंज आना चाहिए, सर्दी बिल्कुल आनी चाहिए. जब इंसान की लाइफ में भी चेंजेस आ रहे होते हैं तो मौसम में चेंजेस उसके लिए बड़ा वो फायदा भी देते हैं आपको, वरना इंसान बोर हो जाए जिंदगी से. इसलिए हम ये देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी जिस तरह आ रही है तो इंसान जिंदगी को एंजॉय कर रहा है ज्यादा. लेकिन ये है कि बाज लोग टू मच उनमें भी आ जाते हैं कि जी अगर स्मार्टफोन है तो सारा दिन स्मार्टफोन में रहते हैं गुप, और इधर उधर कुछ नजर नहीं आ रहा. हाँ सही बात है, तो वो इन्हें इस्तेमाल किस तरह से करना है ये डिपेंड करता है ना आपके ऊपर. बिल्कुल यही. वैसे सुबह सवेरे उठते ही चाय कॉफी क्या पीते आप लोग? मैं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं लेते हैं, एक ग्लास दूध. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड बॉय. उनकी सेहत का राज भी यही है. हाँ, सेहत ही अच्छा है ना, फिट है ना, बिल्कुल. अच्छा आप बताओ कि आपका, आप दोनों का आइडिया था सुकून.com? बिल्कुल, आइडिया जो है हम दोनों का ही था, लेकिन जो इनिशिएट जो मतलब एज एन आइडिया का जो बिल्कुल फाउंडेशन था वो इनकी तरफ से आया था. अच्छा, और ये कोई हम समझें कि दोस्त बैठे हुए थे, जैसे कॉफी पी रहे थे हम लोग, बिल्कुल 2 साल पहले की बात है, 2014 की. एंड मजाक में ये बात जो है इन्होंने मुझ पे जो है ना ताना कसते हुए कही कि यार तुम यही करो, तुम्हारा तो लेवल ही है, तुम्हारा काम ही है. तो वहां से ये आइडिया, लेवल ने कहां से कहां लेवल ले गया. मतलब वो मजाक कर रहे थे, हम मजाक के अंदर ही जो है एक आइडिया समझे कि क्लिक कर गया, इमोशनल हो गए. अच्छा, नहीं अंदाजा उसी टाइम पे हो गया था यही काम करना है. वापस जब हम घर जा रहे थे उसी टाइम पे हमने डिसाइड कर लिया था ये बिजनेस करना है. अच्छा, ये जो आपने बात की ना, फ्रेंड्स बैठ कर कॉफी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, टिफिन किया है बात, किसी ने मुझे बड़ी अच्छी, मेरी दोस्त के हस्बैंड ही, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी. हम लोग एक दिन बैठे हुए थे तो हम लोग बड़े आइडियाज डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे से, तो उन्होंने कहा कि ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ बैठें, सोशली आप एक दूसरे के साथ बात करें, जब आप बात करते हैं ना, और मतलब इनोवेशन वाली जो बात होती है, एक दूसरे की क्रिएटिविटी वाली बात है, बिजनेस की बात होती है, तो आप बहुत सी नई चीजें सीखते हैं और बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं. उन्होंने एक और बात भी कही थी कि दूसरों से सुनो बहुत ज्यादा, उनके आइडियाज ग्रैस करो, उनके आइडियाज लो और फिर उसको जो है ना आगे फॉलो. सो दिस इज वेरी गुड. ये आप लोग एक मिसाल है, जो मैंने बात की उसकी एक मिसाल है कि आपस में दोस्त बैठे हुए, आइडियाज पिचिन हुआ और उसका जो आइडिया फिर इम्प्लीमेंटेशन. उससे पहले हम तकरीबन 400-500 आइडियाज सोच चुके थे. अच्छा, इसी तरीके से. लेकिन ये है कि हमने ये फर्स्ट आइडिया थे जिसको हमने एग्जीक्यूट किया. हाँ. और काफी ये सबसे मतलब टफ समझे कि उसकी एग्जीक्यूशन थी, बिकॉज हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें ब्लू कॉलर जो वर्कर्स हैं जो कि अनट्रेन्ड है, जिनके पास इतनी तालीम नहीं होती है, टेक्नोलॉजी इतना यूज नहीं करते, उनको हमें पूरी तरीके से अपग्रेड करके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर. कैसे किया आपने? सो काफी इस पे मेहनत लगी हमें, आहिस्ता चंद वर्कर्स को हमने पहले ट्रेन किया, उनकी मदद से हमने फिर और वर्कर्स को ट्रेन किया, फिर आहिस्ता एक दफा आप जब मोमेंटम बिल्ड हो जाता है फिर तो चीजें होने लगती हैं. इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, या आपके इनके लिए एक पूरी तालीम भी है.
جو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں میں نے زیادہ تر تو یہ دیکھا وہ باہر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے مطلب آپ کے جب آپ پڑھ لیتے ہیں کوئی چیز اس کی ویلیو ایڈیشن ایگزیکٹلی تو آپ لوگ جو ہے ٹرین ان کو تعلیم کے ذریعے کر رہے ہیں یا ان کی جو ہے اپنی جو ان کا کام ہے اس کے ذریعے کر رہے ہیں دو جو تعلیم یا لیٹس سے کہ جو ان کی ووکیشنل ٹریننگ ہے وہ اس کے یہاں پہ انسٹیٹیوشنز آلریڈی موجود ہیں جو کافی اچھی ٹریننگ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں ہم انہیں انسٹیٹیوشنس کے گریجویٹس کو انسینٹیوائز کرتے ہیں کہ اگر ان کو لیٹس سے پاکستان کے باہر اگر نوکری نہیں مل رہی کیونکہ ہر بندے کو ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے باہر نوکری ملے سو ہم ان افراد کو کہتے ہیں وہ تو بالکل بہت ہی کم ہوتے ہیں ہر ایک کو تو بالکل ہر ایک کو نہیں ملتا سو لیٹس سے 10% یا 15% اس سے زیادہ نہ ہو کوئی باہر نہیں جا سک رہا تو یہاں پر بہت موقع ہیں یہاں پہ میرے خیال میں اگر بندہ اگر اچھی سروس پرووائڈ کرے اچھے معیار کی تو وہ اپنے آپ فورن اسٹینڈ آؤٹ کر جاتے ہیں باقی آڈینس اور پھر لوگ ظاہر سی بات ہے مطلب یعنی تو آپ لوگ کے کیا جو ان کا جو ویجز کا جو طریقہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے یا آپ لوگ جو آپ کو ہائر کریں گے اس کے لیے کارپینٹر پینٹر کے لیے کیا وہ باقی لوگوں سے ایکسپینسو ہوں گے ان کی لیبر یا سیم ہے ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں پھر آگے ہم آپ کی طرف آئیں گے ہیلو جی السلام علیکم السلام علیکم رازیہ کیسے بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کا کیا حال ہے رازیہ آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی جو آن لائن شاپنگ ہے وہاں سے میں نے چیزیں منگوائی ہیں مجھے بہت اچھا یہ سسٹم لگا ہے دیٹس ویری نائس ویری نائس تو آپ نے اس کو فائدہ اٹھایا نا اس کا مطلب اچھا لگا نا آپ کو مجھے بہت اچھا لگا ہے میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا ہم نے اگر بچوں کی نئی بکس وغیرہ لینی ہے تو ہم وہ بھی آن لائن منگوا سکتی ہیں بالکل آپ منگوا سکتے ہیں تھینک یو سو مچ فار کالنگ آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ اور آپ بالکل آن لائن جو ہے بکس بھی منگوا سکتے ہیں بچوں کے بیگز بھی ہم نے جب نیا شروع جو ہے سیال شروع کیا تھا تو اس میں آتے ہم نے سب سے پہلے یہی ہم نے ایجوکیشن پر ہی بات کی تھی ہمارا فرسٹ شو ایجوکیشن پر ہی تھا اور اس میں یہی بتایا تھا کہ اتنی نئی نئی کتابیں اتنی نئی نئی چیزیں آئی ہوئی ہیں اور جو سلیبس ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کا جو بھی سلیبس ہوگا بچے کی جو بھی گریڈ ہوگا اسی گریڈ کے حوالے سے آپ جو ہے اس کو اس کی کتابیں بھی منگوا سکتے ہیں یہاں پہ ایکسیسریز بہت ساری ہوتی ہیں جس میں بیگز ہو گئے لنچ باکسز ہو جاتے ہیں باٹلز ہو جاتی ہیں بچوں کے لیے اور بہت ساری چیزیں وہ آپ جو ہے ڈیفینیٹلی منگوا سکتے ہیں یہ وہ ڈاٹ کام سے ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے بریک پر واپس ملیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیں لو یہ کہاں گیا رکی دادی یہ لو آپ کے 10 روپے کوئی بات نہیں 10 روپے کے سرف ایکسل سے یہ سارے داغ صاف ہو جائیں گے ہاف ٹائم میں داغ نکلیں گے وہ بھی صرف 10 روپے میں سرف ایکسل تازہ صاف بال مرد کی طاقت ظاہر کرتے ہیں لیکن ڈینڈرف اور جلد کی چکنائی اسے بیکار کر دیتی ہے اس لیے میں بھروسہ کرتا ہوں صرف مین پر مردوں کے لیے بنا ریفریشنگ مین پاور کے ساتھ جلد کی چکنائی اور ڈینڈرف ختم کریں تاکہ میرے بال دکھیں فریش اور ڈینڈرف فری یہ ہے پاور ہیئر کلیئر مین اب کچھ نہیں چھپانے کو ایک نئی فضا چھائی ہے یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے یہ وہ اور نئی ہے صبح نو
जी खुश आमदीद एक बार फिर नाज़रीन, और मैं भी देख रही थी अपने एंड्रॉइड पे आखिर जो है क्या जो है आगे सिलसिला है। तो मैं आपको ये बताऊँ, हाँ आज जो है मैं आपको डील के बारे में बताती हूँ, सही हो जाओ, हाँ ओके। डील के बारे में ये है कि डील ऑफ द डे PTCL 4G ईवो टैबलेट जो है वो है फ्री इंटरनेट के साथ आपको मिलेगा 9:45 AM से लेकर और ये है 10 AM तक। आई थिंक नहीं कितना टाइम यही है या एक ही एक नहीं इट्स ऑल ओवर। अच्छा नहीं ये है ही डील इतनी और ये कंटिन्यू ये डील जो है वो चलेगी 50% ऑफ की। ये है डील ऑफ द डे आज के दिन के लिए, सॉरी मैं एक तो डील ऑफ द डे भी कह रही हूँ टाइम भी बता रही हूँ, अजीब हूँ। अच्छा डील ऑफ द डे है और ये है PTCL 4G ईवो टैबलेट जो फ्री इंटरनेट के साथ मिलेगा 50% ऑफ पे आज के दिन, डील ऑफ द डे है। तो ये आज आप जो है मंगवा सकते हैं इजिली और आप देखिए 50% ऑफ पे कोई चीज़ अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब वो आपके लिए अपना भी फायदा देती है और आपको जो हम रोज बरोज आपको बता रहे होते हैं कोई ना कोई डील कि कौन सी चीज आपको जो है इजीली अवेलेबल है और किस प्राइस में आपको मिल सकती है, तो आप इस चीज का डेफिनेटली फायदा उठाएं और फौरन से आप जो है वो मंगवा लें। अच्छा ये हम अभी तो बात कर रहे थे थोड़ा सुकून के बारे से भी बात की, थोड़ा सा हमने आपके भी वेबसाइट के बारे से बात की जिसमें जो है लोग आपस में बात कर सकते हैं अपने दिल की बात कर सकते हैं। आपने बताया मैनेजेबल है, कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता, तो ये कैसे आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ें? तो हमने एक इंटरनली गाइडलाइन सेट की हुई है कि ये हमारा क्राइटेरिया है, इसके अलावा मतलब इसके अगर इस तरह की कोई अगर किसी ने बोल दिया कि मैं मुझे जॉब नहीं मिल रही मैं बहुत परेशान हूँ तो उसकी कोई मदद भी करेगा वहाँ पर या नहीं? करते हैं। अच्छा और अगर आपको कोई वैसे बहुत ही कोई अच्छी सपोर्ट नहीं कर सके जॉब नहीं दिला सके तो मॉरली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो परेशान और आइडियाज दे सकते हैं ना। तो ये पढ़लो.com में बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने बताई है बात, आप अपने दिल की कोई भी बात है वो आप कर सकते हैं वहाँ पर, ऐसी दिल की बात जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान है, कोई घरेलू मसला भी हो सकता है कोई आपका कोई और परेशानी भी हो सकती है, कोई अक्सर बच्चों में एक प्रॉब्लम होता है, मतलब स्टूडेंट में प्रॉब्लम होता है कि वो पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, वो आगे उनको समझ नहीं आता कि याद किसना करना है, तो वो भी आपको इसी तरह गाइडलाइन देंगे। एक जमाने में तो फ्रेंड्स बड़ा हेल्प करते थे, अब आजकल फ्रेंड्स कहते हैं वो वी डोंट हैव टाइम, ये भी गलत बात है। दोस्त इंसान की जिंदगी में बड़े काम आते हैं और अच्छे दोस्त बहुत ज्यादा काम आते हैं, आज हमें मिसाल भी नजर आ रही है और आपकी भी इवन कितने सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं। अच्छा अब हम ऐसा करेंगे सैयद वकास को दावत देंगे, ई कॉमर्स के हवाले से बड़ा जबरदस्त उनका जो है एक्सपीरियंस भी है, दावत देते, प्लीज वेलकम, आ जाए थे। अभी हम आपसे बात भी करेंगे लेकिन आप दो मिनट की तशरीफ रखें और फिर अभी आपसे हम जो है ना डिस्कस भी करेंगे कि नई टेक्नोलॉजी के हवाले से। आप लोग वैसे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं? कितनी करते हैं, क्या बहुत ज्यादा, मतलब अब क्योंकि आजकल टाइम का इतना इशू होता है डेली बेसिस पे, ऑफिस होते हैं, काम होते हैं, फैमिली इशू वगैरह, आई थिंक मेजोरिटी शॉपिंग हमारी ऑनलाइन होती है। आप लोग तो सारा दिन इसी में हो जाता होगा कि यहाँ से ये कॉल आ रही है वहाँ से वो कॉल आ रही है, बैक एंड फोर्थ होता है। हमारा बिजनेस ये है कि हम दुनिया का बेसुकून एब्जॉर्ब करते हैं अपने पर और लोगों को सुकून देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए सुकून.com रखा है ना, समझे कि इतना सारा सुकून मतलब, लेकिन ये वो .com ने आप लोगों को सुकून दे दिया है ना, सुकून आपने लोगों को दिया, ये .com ने आप लोगों को सुकून दिया। नॉर्मल सी बात है, चाहे फूड और मतलब लंच ऑर्डर करना हो या कोई शॉपिंग करनी हो, कोई चीज भेजनी हो, मंगवानी हो, आई थिंक सारी दैट्स वेरी वेरी इजी और एग्जैक्टली, और इसी तरह ही टीसीएस हाजिर भी बड़ा काम जो है वो कर रहा है, तो ये बड़ी सहूलत आजकल हम देख रहे हैं चीजों में होगी। जी वकास आप बताएं कि इतनी नई टेक्नोलॉजी आई है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि कितने फायदे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से आगे चीजें मैनेज कर रहे हैं? सो मैं Yayvo.com में एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ और जिस तरह से टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हाजिर इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आ रहा है मार्केट के अंदर। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आपके पास पाकिस्तान में आती हैं वैसे वैसे आपके पास उसकी अडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोग किस हद तक उसको सीखते हैं और किस हद तक उसके जरिए अपने आप आगे से बिजनेस करना शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें जैसे पाकिस्तान में एग्जाम्पल है सुकून की, पढ़ लो की, और इस तरह और बेशुमार बिजनेस हैं जो एक साल दो साल के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं और इसके जरिए लोग अपनी एक रेगुलर बिजनेस इनकम से अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो है और हम ये देख रहे हैं कि जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस हवाले से। यूथ के लिए क्या कहेंगे, अब उनकी अब सोच उनकी क्या होती है, क्या वो आगे, और आप उनको मैसेज भी क्या देंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या एजुकेशन हासिल करें, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? सो एजुकेशन के सेंस में अगर आप बात करें तो एजुकेशन दो तरह की होती है, एक आगे पास वो फॉर्मल एजुकेशन है जो आप स्कूल यूनिवर्सिटीज जाते हैं वहाँ जाके सीखते हैं, एक वो एजुकेशन का सिलसिला जो आपका एंड तक चलता रहता है, जो आप कंटिन्यूस सीखते रहते हैं।
جیسے کہ اگر آپ آج کل جتنے بھی لوگ ہیں اور آپ کے سامنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو چیزیں بزنس کے اندر آپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریگولر بزنس کے اندر ان میں سے 50% بھی وہ چیز نہیں ہوتی جو کہ آپ اسکولنگ سے یا ایجوکیشن سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ ریگولر ٹرینڈز آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے یا باہر پاکستان سے باہر جو ممالک میں ہو رہا ہے وہاں سے چیزیں سیکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ایجوکیشن کا سلسلہ تو چلتا رہے گا آپ کے ساتھ. بالکل 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 یہ بات تو جس طرح ابھی آپ نے حاضر کا ہی بات کی تو ہم حاضر کے حوالے سے فوراً سے اس طرف جاتے ہیں حاضر کے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے جو کالرز ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ ہمیں کال کریں. یہ والا وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو کہتے ہیں جی آپ فوراً کال کریں ہمیں اور ہم یہ ہو یا وہ ہو تیسرے حاضر ہو کے سیگمنٹ میں آ کر آپ کو ہم تحفہ دیں گے جو ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کے پاس پہنچ جائے گا. فائزہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم فائزہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. فائزہ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بول رہی ہوں. کراچی سے بات کر رہی ہیں. اچھا دیکھیں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو جو ہے بتانا پڑے گا کہ آپ آج www.yayvo.com کی سائٹ پر گئی ہیں. جی جی کیا دیکھا وہاں؟ اس میں موبائل فون نیو آفر ڈسکاؤنٹ سیمسنگ کے S7H موبائل فون, الکرم کی ونٹر کلیکشن, کرتی 3-piece سوٹ اور رومنگ شیونگ کریم کا سامان, ساری کٹ. اچھا بڑی ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی. کچھ منگوایا بھی ہے ابھی تک یا نہیں؟ جی اب انشاءاللہ بس سیلری آ جائے تو منگوائیں گے. آل رائٹ, کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میرے ہسبینڈ کرتے ہیں. اچھا اچھا ہسبینڈ کرتے ہیں, اوکے اوکے ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے زائبدہ ہسبینڈ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے تو آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوگا. تو آپ کو یہ چاہیے جو ایس سورسز کا جو ٹی شرٹس ہیں بہت ساری, یہ چاہیے یا جے کیو کا یہ اپر ہے جیکٹ ہے یہ آپ کو چاہیے, کیا چاہیے؟ جی یہ جیکٹ اپر چاہیے. اپر چاہیے, یہ جیکٹ نہیں ہے ایکچولی اپر ہے, بٹ اٹس اے وارم اپر, گڈ اپر. اچھا یہ دونوں میں سے بس جو زیادہ اچھا ہو آپ مجھے وہ دے دیں میرے ہسبینڈ کے لیے. آج کل سردیوں کے حوالے سے تو جے کیو کے حوالے سے ایک چیز ہے. ویسے ٹی شرٹس بھی ہے, ٹی شرٹس آپ ابھی بھی پہن سکتے ہیں, بعد میں پہن سکتے ہیں, ٹی شرٹ پہن کے اوپر جیکٹ پہن لیں. سو وٹ ایور یو لائک اٹ, آپ بتاؤ کیا چاہیے. جی مجھے تو بس ایسا چاہیے تھا کہ وہ صبح صبح بائک پہ جاتے ہیں بس. تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کو جے کیو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ جی جی صحیح ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک گھنٹے کے اندر اندر ٹی سی حاضر کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا. اور آپ نے کال کر کے بتانا بھی ہمیں کہ آپ کو پہنچایا جیسے ہی, ٹھیک ہے؟ ضرور. اوکے چلیں, ٹیک گڈ کیئر, اللہ حافظ. تو یہ ایک اور کالر بھی ان سے بات کریں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام, مسز روف بات کر رہی ہوں. کیا حال ہے آپ کے, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا یہ سیگمنٹ ہے, ہمیں گھر بیٹھے گفٹ ملتے ہیں اور یہ وہ ڈاٹ کام بہت اچھا ہے. نہیں یہ بات تو ہے کہ یہ وہ ڈاٹ کام باقی آپ لوگوں کو بہت سہولت دے رہے ہیں. اس میں الکرم کے ڈریسز دیکھے میں نے, موبائل فون دیکھے ہیں, ہر چیز آدمیوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہمارے لیے ہر چیز اویلیبل ہے. ارے واہ زبردست, آپ نے تو بہت چیزیں بتا دی ہیں. لیکن یہ کہ یہ بتا, ایک چھوٹا سا سوال کروں آپ سے؟ ویسے کر رہی ہوں, آپ کو دے دیں گے نام, لیکن ویسے ایک سوال کر رہی ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آج میں نے کوئی ڈیل بتائی ہے, وہ کیا ڈیل تھی؟ ڈیل ہے, ٹیبلٹ مل رہے ہیں 50% آف. آل رائٹ, ویری گڈ ویری گڈ. اس کا مطلب بڑے آپ نے غور سے شو کو دیکھا, ٹھیک ہے. آپ کو یہ اے سورسز کے جو ہیں مل جائیں گے ٹی شرٹ ایک گھنٹے کے اندر اندر تھرو ٹی سی ایس حاضر. اور ٹی سی ایس حاضر کا یہی کمال ہے کہ آپ کو ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کا جو بھی آپ کا کام ہوگا, آپ کے کوئی ڈاکیومینٹس ہوں گے, آپ کی کوئی چیزیں ہوں گی, آپ کو پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ کہ فی الحال ہم یہاں سے آپ کو یہ ٹی شرٹ جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ. لیکن آپ نے کال کر کے بتانا بھی ہے ہمیں, ٹھیک ہے, جیسے ملے گا. اوکے اوکے ٹیک کیئر ٹیک کیئر, بائے بائے. ویسے یہ سروس بھی بڑی زبردست ہے. آپ میں سے ویسے ابھی تک کسی نے استعمال کی ہے سروس؟ آپ نے کی؟ آپ نے بھی کی؟ کیسے, کیا رہا ایکسپیرینس تو بتائیں ذرا. اٹ واز ا ویری نائس ایکسپیرینس. ہم لوگ اور کیا بھجوایا تھا؟ ہم لوگ کو کیکس بھجوا رہے تھے ڈفرینٹ لوگ کو. اچھا, عید سے پہلے. ہاں ہاں. تو اس کے لیے ہم نے حاضر کی سروس یوز کی تھی کیونکہ رمضان کا ٹائم تھا اور ہم لوگ کو لگا تھا کہ اس کا کوئی ڈلیور نہیں کر پائے گا. ہاں ہاں. مگر حاضر نے ڈلیور کر دیا. اور آپ کا, آپ کا کیسے؟ میرا کچھ ڈاکیومینٹس تھے جو فرینڈز کو بھجوانے تھے میں نے, تو وہ میں نے اس کے ساتھ بھجوائے. ہاں ویسے بڑا ایزی ہوتا ہے. ابھی بھی اسی طرح میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا کہ ڈاکیومینٹس سے میں نے کسی صاحب کو بولا پلیز آپ آ کے پک کر لیجیے, وہ پک ہی نہیں کر رہے تھے. میں نے ٹی سی ایس حاضر کو بولا میں کہا پلیز ڈراپ کرا دیں, آپ ہی کرا سکتے ہیں, ڈراپ وہ تو نہیں آ رہے پک کرنے. تو یہ بڑا ایزی رہتا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کنوینئنس بہت ہے بیسکلی, بہت زیادہ. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ بلکہ کچھ ایسے آپ ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے نا ٹی سی ایس حاضر کے, آپ کو کافی زیادہ ایسی چیزیں بھی نظر آئیں گی جو آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر کوئی کچھ منگوانا ہو تو آپ وہ منگوا بھی سکتے ہیں. تو یہ سہولت ہے ایکچولی. ہم وہی والی بات آتی ہے, اتنی فاسٹ موونگ ورلڈ میں ہم لوگ
हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो लोग लेजी होते हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत काम करते हैं कि और बाकी हम घरेलू खवातीन को भी कहेंगे, वो बहुत काम करती हैं, सुबह उठना, बच्चों को नाश्ता देना या अपना खुद भी जॉब के लिए जा रही हैं, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा जो हैं वो जो है आप ये देखें कितना ज्यादा उनका भी काम वाम होता है, तो उनके लिए बड़ी ज्यादा सहूलत है कि नई टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करें। अच्छा, बल्कि आप ये जो आउटफिट है ये भी मंगवा सकते हैं, करिश्मा का आउटफिट है और ये आप yayvo.com से मंगवा सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल आउटफिट, द बेस्ट पार्ट के जो पश्मीना इसको क्या कहते हैं, इसको नाम होगी, इसको एक स्पेशल इसका नाम होता है, ये प्लाची होता है और ये जो है ना ये थोड़ा वार्म फील देता है, ये इट्स लाइक शॉल, तो स्पेशली कराची वालों के लिए तो बड़ा ही अच्छा है कि ये थोड़ी सी वार्म फीलिंग देता है, तो ये आप इसको आप मंगवाएं इस आउटफिट को, और वैसे भी इसका मटेरियल भी थोड़ा सा थिक मटेरियल, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं जब थोड़ा वार्म मटेरियल पहन कर एक वो फील जो होती है ना वो अच्छी आती है कि हाँ बाकी अब लग रहा है कि सर्दी आ गई है, वरना आप वो अजीब से आप पता लॉन के जोड़े आप मतलब कराची वालों के लिए जो सर्दी में पहनते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो समझ ही नहीं आता कि जी लॉन पहने जी हैवी पहने, लेकिन ये कि आज मुझे फील हो रहा है कि बाकी थोड़ा सा मोटा मटेरियल पहनना चाहिए, और जो दूसरे एरियाज में लोग हैं वहाँ पर तो उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि वो ईजिली मंगवा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए विंटर्स के लिए ब्यूटिफुल कलेक्शन, ब्यूटिफुल के साथ साथ द मटीरियल इज़ ब्यूटिफुल, इट्स वेरी नाइस मटीरियल, इट्स नाइस वार्म, और ये चाहे वो कराची का वेदर हो चाहे वो पाकिस्तान में और एरियाज का भी वेदर हो वहाँ पर कहीं पर भी ये चल सकता है, बहुत ज़बरदस्त है, और उसका जो शॉल जो मैंने बताया वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये आप ज़रूर मंगवाएं, इट्स वेरी वेरी नाइस। तो ये वैसे आप लोग जिसने बताया कि वार्डरोब वगैरह चेंज हो जाते हैं तो फ़ौरन से आप लोग कुछ नई चीज़ें मंगवाते हैं yayvo.com से या क्या होता है, आपने कुछ मंगवाया वैसे नया? अभी तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था तो मैंने ऑर्डर नहीं किया, बट ऑब्वियसली जब सीजन चेंज होता है तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से तो आपने ऑर्डर तो करना ही होता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, आप जो मैंने सवाल किया था कि जो कॉस्ट होती है क्या वो नॉर्मल लेबर जो आपको जो है अवेलेबल होते हैं मार्केट में होते हैं क्या वो उतनी ही कॉस्ट है या उससे थोड़ी सी ज्यादा है? जी बिल्कुल, हमारी जो कॉस्ट है इनफैक्ट उसमें ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है, मतलब एज एन हमने स्टैंडर्डाइज की हुई है प्राइसिंग बहुत सारी चीजों की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए सी इंस्टॉल कराना है या सर्विस कराना है, सर्विस कराने के 800 रुपए हैं, तो बजाय इसके कि वर्कर जैसे अमूमन तौर पे होता है पाकिस्तान में वर्कर आता है आपका घर देखता है, अगर बड़ा अच्छा घर है तो वो 100 रुपए के काम के 500 रुपए बोलेगा, तो हम कन्वीनियंस के साथ साथ सिक्योरिटी के साथ साथ हम इस चीज को भी खत्म कर रहे हैं कि जो प्राइसिंग है उसको हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि जी आपके जो है ACS स्प्लिट वगैरह में आपके प्रॉब्लम क्या है वो बताते कुछ और हैं और पैसे कुछ और लेते हैं, छोटी सी बात होती है उसका वो बहुत ज्यादा पैसे लेकर। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल yayvo के पास अगर एक आइटम या एक प्रोडक्ट को एक सेलर बेच रहा है और सेम प्रोडक्ट अगर दूसरा सेलर एक दूसरे प्राइस पे बेच रहा होगा तो yayvo के पास मतलब आज इतना डेटा है कि वो दो प्राइसिंग को कंपेयर कर सकता है और सेलर ए को बता सकता है कि आप इतना महंगा बेच रहे हैं, यही प्रोडक्ट कोई और सेलर इतना सस्ता बेच रहा है, तो सेम चीज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूपीएस रिपेयर करना है या कुछ करना है तो अगर एक एक वर्कर अगर उसकी प्राइस जो है दूसरे वर्कर से ज्यादा कोट कर रहा है तो हम उस डेटा को यूज करते हुए जो है उस प्राइसिंग को जो है किसी हद तक जो है नॉर्मल। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए कि कोई चीज जो है ठीक नहीं हो पाती है या दोबारा खराब हो जाए दो तीन दिन बाद तो उसकी कोई सहूलत देते हैं आप? जी जी बिल्कुल, जो भी आप काम करवाते हैं sukoon.com.pk के थ्रू आपको 7 दिन की वारंटी मिलती है उसके अंदर, और 7 दिन के अंदर अगर कोई भी इशू आ जाता है तो आप हमें कॉल करके या वेबसाइट पे जाके कंप्लेन लॉन्च करें, हम आपका वो मसला जो है सुकून के साथ रिजॉल्व करा देते हैं। अच्छा, आपने क्या एजुकेशन क्या हासिल किया है? हम लोग बेसिकली MBA हैं, हम लोग CBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से मास्टर्स किया है, मैंने भी हम दोनों बिजनेस ग्रेजुएट थे, हम लोग जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी हमारी नौकरी थी, हम वो छोड़ के जो है हमने जो है बेसुकून हो गए और दूसरों को सुकून दे दिया, लेकिन हम शौक से कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, हमें क्लियरली तौर पर नजर आ रहा है कि जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं या जो मजदूर हैं उनकी भी हेल्प हो रही है, प्लस ये कि जो कस्टमर्स हैं उनकी एक जेन्युइन नीड है, मतलब आज इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर ढूंढने के लिए किसके पास टाइम है कि घर से बाहर। लेकिन आपने लिंक बड़ा अच्छा रखा ना, देखिए आपने उनके लिए जो लेबर कम्युनिटी है उनको आपने जो है बेसिकली बल्कि रोजगार के साथ साथ आपने उनके दिमागों को भी बड़ा आपने ओपन किया होगा, उनको आपने नई तरह की नॉलेज भी दी होगी, उनको बताया भी होगा बहुत सी और नई चीजें होती हैं जो आपने उनके अंदर डेवलपमेंट बेसिकली की है। बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होती है जब जो कुछ वर्कर्स हैं वो फेसबुक के ऊपर अब मतलब यानी कि हमारे पेज को बड़ा रेगुलरली व्यू करते हैं और हमें आके इनफैक्ट जो कुछ कस्टमर्स हैं वो बताते हैं कि आपके वर्कर ने आके कहा कि यार फेसबुक के ऊपर रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो भी टेक्नोलॉजी
ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ سمجھتے جا رہے ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں. بہت سارے ورکرز اب واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں ریگولرلی ہمارے ساتھ, تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو مطلب بجائے اس کے صرف ہم اس کو بزنس کے اینگل سے نہیں دیکھتے, ہمیں اس کے اندر سوشل بھی کافی ایک کاز نظر آتا ہے کہ روزگار بھی مل رہا ہے, ٹیکنالوجی بھی ان کی. یہ بھی اپلیکیشن نہیں ہے لیکن یہ بھی ویب سائٹ ہے. جی جی ویب سائٹ ہے, لیکن موبائل ریسپانسو ویب سائٹ ہے. آپ موبائل کے تھرو آپ جو ہے ویب سائٹ کھولیں اور بالکل آپ کو اپلیکیشن کی طرح ہی جو ہے. اچھا اس پہ پہلے اپنے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, بالکل. جو ہمارا پروسیس ہے وہ 60 سیکنڈ سے کم ٹائم لیتا ہے. ایک آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں الیکٹریشن یا پلمبر بک کرانے کے لیے. اور کتنے ٹائم تک آ جاتا ہے؟ اب یہ ٹائم کسٹمر بتاتا ہے کہ اسے کب چاہیے. یہ بھی ہم نے کسٹمر کے پاس پاور دی ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے, جیسے مثال کے طور پہ آپ ہیں یا ہم ہیں, آج ہم یوزلی ویکینڈ پہ گھر پہ ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویکینڈ کے اوپر جو ہے یہ جتنے سنڈے کو دیتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب, بریک میں مزید باتیں کریں گے اور آپ کو نئی نئی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. پاکستان کا یہ حصہ جو ہے یہ جس ترقی کے دور سے گزر رہا ہے یہ ایک مثالی ہے. نیا بلوچستان بن رہا ہے, اور اگر نیا بلوچستان بن رہا ہے تو سمجھ لے کہ نیا پاکستان بن رہا ہے. یہ صرف سڑک نہیں ہے, اس کو سڑک نہیں کہنا چاہیے, یہ گیم چینجر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے گیم چینجر. ایک نئی سڑک کے افتتاح سے امید کا ایک نیا چراغ جل اٹھتا ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ بلوچستان میں ایک نہیں, امید کے ان گنت چراغ روشن ہو رہے ہیں. 3 سال پہلے ہم نے جس ویژن کے ساتھ تعمیر پاکستان کے سفر کا آغاز کیا تھا, اس میں بلوچستان کی ترقی سر فہرست تھی. ہم نے حکومت اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ترتیب دیا ہے, اب اس پر چل کر ہی کوئی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکتا ہے. اور یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ عوامی خدمت کا راستہ ہے. یہ فیصلہ اب آئین کے مطابق پاکستان کے عوام کریں گے کہ کون عوام کی خدمت کے راستے پر چل رہا ہے اور کون نوجوانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے. 2016 کا پاکستان 2013 کے پاکستان سے کتنا مختلف ہے, اور انشاءاللہ 2018 کا پاکستان 2016 سے بھی بہت بہتر ہوگا. یہ نیا پاکستان ہے, اور انشاءاللہ اس نیا پاکستان کو ہم نے سب نے مل کر تعمیر کرنا ہے. ناظرین خوش آمدید ایک بار پھر آپ کو. یہ وہ سبحنو میں آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے. اور اب کئی ایسی چیزیں, کئی ایسے ایپس بھی آ گئے, کئی ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں جہاں سے آپ ایزیلی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. چاہے آپ کو جو ہے کسی اپنی ہی گھر کی سہولت کے لیے, جس طرح آپ ابھی اچھا انہوں نے بھی بتایا جس طرح سے پلمبنگ کا ہو گیا, مکینکس بھی ہو جاتے ہیں, کارپینٹر, ایون وہ جو ماسیوں والی بات کی تھی وہ بھی اویلیبل ہوتی ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ویسے وہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ دیر آر پیپل جو ہیں وہ پرووائڈ تو کر رہے ہیں, وہ ان کو جابس بھی دلوا رہے ہیں, لیکن بڑا اپنے بیسک اس پہ اور بڑا آتھینٹک طریقے سے ہی کر رہے ہیں. لیکن ہر ایک پہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں ہو سکتا, لیکن جب آپ کسی ویب سائٹ کے تھرو جاتے ہیں تو وہ ٹرسٹ جو ہے وہ سارا آپ اپنے اوپر لے کر, ان کا پورا بیک گراؤنڈ معلوم کر کے. اسی طرح جس طرح ہم آج کل جو دیکھ رہے ہیں ٹیکسیز کے حوالے سے بھی ہے, تو اس میں بھی یہ کہ پورا بیک گراؤنڈ وہ کمپنی جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیورز کا وہ لیتی ہے, ان کا پتہ ہوتا ہے کہ کدھر لوکیشن ہے, کہاں جا رہے ہیں اور کون ہے.
तो ये बड़ा फायदा रहता है। लेकिन जब आप आम कोई रक्षा टैक्सी लेंगे तो आपको वो पता नहीं चलता जी आप किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन है, क्या है। तो ये जो सहूलत है ये आजकल हम ये देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम तक ये पहुंच रही है। तो इस सहूलत को आप जरूर जो है वो अपनाएं और अपने आप को अपग्रेड करें। अच्छा, थोड़े से अपग्रेड करने की बात थोड़े से मैं वकास से पूछूंगी, आप क्या समझते हैं जनरली ये लोगों के लिए कितना ज्यादा ये चीजें फायदेमंद है? लोगों के लिए अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि जैसे अभी उन्होंने एक एग्जांपल दी कि प्लंबिंग का काम कर रहा है। अब आज से 2-3 साल पहले आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि प्लंबर व्हाट्सएप कर रहा है, आप सोच भी सकते थे कि प्लंबर फेसबुक यूज करेगा, आपके दिमाग में एक इंप्रेशन दूसरा था। तो जिस तरीके से 8-10 साल पहले की अगर आप बात करें तो कंप्यूटर यूज करना सिर्फ एक इलीट क्लास की बात होता था कि कंप्यूटर यूज करो उनके घर में कंप्यूटर है। आज उस तरीके से अगर कोई व्हाट्सएप पे नहीं है या अगर कोई मोबाइल स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहा तो उसको बिल्कुल वो एक तरीके का पढ़ा लिखा जाहिल समझ जाएगा। और जिसको वो चीजें टेक्नोलॉजी यूज करने आ रही है वो अपना रास्ता बनाता चला रहेगा। इस तरह से इनके पास वर्कर्स हैं या और इंडस्ट्री की बात करें, आजकल टैक्सी सर्विस बहुत सारी आ गई है, तो जिसको मोबाइल यूज नहीं करना आता, जिसको गूगल पे मैप देखना नहीं आता, तो वो आजकल के हिसाब से वो पढ़ा लिखा जाहिल है। हाँ एग्जैक्टली, वो कहते हैं कि ओ माय गॉड आपको ये नहीं आता करना, एक तो वैसे शर्मिंदगी हो जाती है, अच्छा ये आप नहीं आपको पता। तो ये कि हाँ अपने आपको अपडेट करना, नहीं समझ आता पूछ लें, मतलब ये बात है कि आप पूछना चाहिए कैसे होगा, किस तरह होगा, जिसमें आज हम आगाही दे रहे हैं। मैं स्पेशली आपसे पूछूंगी फाइजा, जो आपका अपना ये है पढ़लो.com, इस पे किस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या तरीका है? पाकिस्तान में अमूमन लोग ये शिकायत बहुत करते हैं कि जब तक हमारे पास हमारे अब्बा बहुत इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे ना हो या हमारी कोई अच्छी वो ना हो जान पहचान, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप अच्छा गाते हो, अच्छा लिखते हो, अच्छा पेंट करते हो, तो आप parlo.com/author पे जाएं, वहाँ पे जाके आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो जाके लिखे कि हमें इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। आपको विद इन 24-48 hours रिप्लाई मिल जाएगा और आपको हम अपने उस पर ऑफिस में भी इनवाइट करेंगे, और अगर आप लिखते हैं तो हम आपकी सबमिशन पब्लिश भी करेंगे। ऑलराइट, ठीक, कितना इजी हो गया आपके लिए कि आप जो इजीली parlo.com के जरिए जो है वो अपनी बात को भी आगे लेकर चल सकते हैं। और इसी तरह ही हम आपको थोड़ी बहुत जिस सहूलत की बात होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सहूलत के हवाले से आपको बता रहे हैं, और वो है yayvo.com। yayvo.com आप ये देखें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें yayvo.com में अवेलेबल हैं। yayvo.com में बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत सारी जो एक्सेसरीज और इसके अलावा भी हर किस्म की आपको जो चीज़ चाहिए होती है, इवन फर्नीचर तक की बात होती है। तो मुझे एक दिन शौक था, है फर्नीचर भी, मैंने कहा हाँ फर्नीचर भी मिल जाता है। और यही सहूलत, आप जब वेबसाइट में जाएंगे आपको जो चीज़ चाहिए आप उसका जो आप जैसे लिखेंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा। नहीं लिख पा रहे हैं तो कॉल कर लें, आप अगर नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिखना आता तो आप कॉल कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर ये देखें ज्वेलरी पीसेस भी हैं, सच नाइस, अच्छा ये है लॉन के एंड दिस इज़ वेरी नाइस ज्वेलरी पीस, ये जो है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा शूज़ हैं, शूज़ हो गए, क्लचेस हो गए, साथ में कपड़े भी, कपड़े, शॉल्स, आजकल जितना सर्दियां हैं शॉल्स के हवाले से शॉल्स आप मंगवा सकते हैं। अच्छा आजकल कोट शूज़ का मतलब क्योंकि सर्दियां हैं थोड़ी सी, तो आप बंद शूज़ जो है वो अच्छे लगते हैं थोड़े, वो आप मंगवा सकते हैं। अच्छा साथ ही यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स हैं वो भी आप मंगवा सकते हैं। यहाँ पर हेडफोन्स हो गए, ब्लड प्रेशर के लिए हमेशा मैं कहती हूँ ब्लड प्रेशर है या नहीं है मशीन घर पे होनी चाहिए, आपको खुद नहीं पता चलता आजकल एकदम से जो है इतनी फ्लक्चुएट हो जाता है ब्लड प्रेशर के, पता नहीं चलता कि कहाँ पर कौन सी बीमारी क्या है। तो ब्लड प्रेशर की जो मशीन है ज़रूर होनी चाहिए, अपने आपको मॉनिटर ज़रूर करें, सो दिस इज़ रियली गुड, ये होना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे और भी आप ये देखें प्रोडक्ट्स हैं जो DVD हो गया, TV हो गया, फ्रिज हो गया, मतलब जस्ट नेम इट, आपको क्या चीज़ चाहिए जो आपको yayvo.com से सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा यही इसी तरह किचन आइटम्स भी होते हैं, बहुत सारी किचन आइटम्स भी हम आपको हमेशा बता दें, जूसेस पिए, शेक्स पिए, आजकल जो है कॉफ़ी बड़ा ट्रेंड हो गया है, तो कॉफ़ी के हवाले से भी ये है कि ब्लेंडर्स बहुत काम आते हैं, तो ये बड़ा सहूलत है आपके लिए। और साथ में आपके पास अगर आपको स्पेशली ऑफिस होते हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ पर गैस अभी नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक जो ये स्टोव्स होते हैं ये बहुत काम आते हैं, और ये बड़ा अच्छा है। इनके अंदर लोग ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं कितने ज़्यादा ये जो है
इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ा मिनिमम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी लेता है और ये अच्छा आपको एक सहूलत जो है अपनी जगह पर, क्योंकि कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ गैस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वहाँ पर आप ये सोर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आपके लिए देखें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत सारे मौजूद हैं, वो भी आप मंगवा सकते हैं। आउटफिट अगेन मैं बताऊँ कि आज का मेरा जो आउटफिट है करिश्मा का, ये भी आप जो है मंगवा सकते हैं yayvo.com से। और यही नहीं बल्कि आज जब आप जाएंगे वेबसाइट तो आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि रोटी मेकर लग रहा है। ऑल राइट, ये देखें रोटी मेकर ही है ना। ओ राइट, रोटी मेकर, उसने मुझे कोई कह रहा था हाँ रोटी मेकर। मैं घर पे और सारा खाना पका लेती, मैं रोटी नहीं बना सकती, रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, तो उसके लिए ये रोटी मेकर जो है ना दिस इज़ गुड। अब ये मंगवाना पड़ेगा। वैसे जैसे घर पे आप लोग कुछ थोड़ा बहुत हाथ बात बताते हैं घर में काम वाम में या नहीं? खाना तो खाते हैं हम अपने हाथ से। खाते तो हैं लेकिन पकाने में कुछ है आता है कुछ? नॉर्क नूडल्स। हाँ चौर आप थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, सारा दिन बिजी आप? नॉट एट ऑल, बस सिर्फ खाने का शौक है। क्यों? काम में इतना टाइम निकल जाता है कि अच्छा सही बात है। वैसे जो बाहर के मुल्क से होकर आते हैं, आप लोग का कोई एक्सपीरियंस है बाहर के मुल्क जाने का, वहाँ पढ़ने का? पढ़ने का नहीं, पढ़ने का नहीं, पढ़ने के लिए जो पढ़ने के लिए जाते हैं ना उनको कीमा तो जरूरी आता बनाना क्योंकि कहते हैं और कुछ नहीं लेकिन कीमा जरूर हम बना लेते हैं। तो ये जिस इंडस्ट्री से है ना वहाँ पे एक टर्म बहुत यूज होती है वर्क लंच, तो लैपटॉप के साथ बैठे बैठे ही लंच चल रहा होता है तो लंच के लिए बाबा एहतमाम वहीं खत्म हो रहा है, बस वहीं पे होता है, बस वो है लंच का टाइम है, दैट इज इट, उस पर खाने के बारे में नहीं सोचते। अच्छा वैसे आप नए टैलेंट को कैसे प्रमोट कर रही हैं फैजा? नए टैलेंट को हम डिफरेंट तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे अगर किसी को गाना अच्छा आता है तो हमारा एक पूरा सेगमेंट है पढ़ लो अनप्लग्ड करके, उसमें हम जितने भी बच्चे हैं सबको बुलाते हैं, वो अपना आराम से उधर गाने गाते हैं, हम उनको ऑडियंस प्रोवाइड करते हैं, वहीं पे उनको फीडबैक मिलता है, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके नाम से पहचानना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी पूरी फॉलोइंग बन जाती है। जो राइटर्स हैं हम उनके आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, एक आर्टिकल पर हजारों लाखों व्यूज आते हैं, उनको वहीं पे नीचे कमेंट्स भी मिल रहे होते हैं, तो वो इंस्टेंट रिकग्निशन वाली चीज जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म इन बच्चों को, यूथ को हमारी प्रोवाइड कर रहा होता है। ऑलराइट, दैट्स सो नाइस। तो अभी हम जाएंगे ऐसा करते हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर ये है कि मजीद आप लोगों से भी बात होगी और साथ साथ जो है हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि yayvo.com में आप क्या क्या और मजीद चीजें मंगवा सकते हैं, और हमारे साथ रोजमेरी भी मौजूद होंगी जो आपको अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे और उनके बारे में पता करेंगे किस तरह से वो भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ी, छोटी सी बेबी थी अब इतनी बड़ी हो गई और अब आगे माशाल्लाह से जिंदगी कहाँ से कहाँ लेकर उनको चल रही है, तो सब कुछ जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, तुमसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। 18-18 घंटे तक लोड शेडिंग होती थी, 18-18 घंटे तक, आज बहुत कम हो चुकी है और इंशाल्लाह 2018 में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फॉर्म से किए गए वादे पूरा करने का वक्त आ गया, हुकूमत ने मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया निस्त कर दिया, अब शहरों में सिर्फ 3 घंटे और देहात में सिर्फ 4 घंटे लोड शेडिंग होगी। हुकूमत का तरक्याती इनकलाब, रोशन रोशन पाकिस्तान। بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پی ٹی وی نیوز میں اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سلمہ گلزار۔
منفی رجحانات کی حوصلہ شکنی میں اہل قلم کا کردار اہمیت کا حامل ہے. اعتدال پسندی کے فروغ کے لیے ادیبوں اور شاعروں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. صدر ممنون حسین کا اسلام آباد میں بین الاقوامی ادبی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب. سپریم کورٹ میں پاناما دستاویزات سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے. انسداد دہشت گردی کے لیے قائم کی گئی فوجی عدالتوں نے مدت مکمل ہونے پر کام بند کر دیا. فوجی عدالتوں میں 274 مقدمات کی سماعت ہوئی. 161 مجرموں کو سزائے موت دی گئی. 12 مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو چکا ہے. ISPR مقبوضہ کشمیر کے علاقے اخنور میں فوجی کیمپ بٹل پر حملہ. 3 بھارتی فوجی ہلاک. فائرنگ کے تبادلے میں 3 افراد زخمی. کیمپ کے اطراف میں فائرنگ کا سلسلہ جاری. بھارتی میڈیا. ایران کے سابق صدر علی اکبر ہاشمی رفسنجانی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. ان کی عمر 82 برس تھی. علی اکبر ہاشمی رفسنجانی 2 مرتبہ ایران کے صدر منتخب ہوئے. بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. شمالی کوریا کا اعلان. شمالی کوریا کا جوہری اور بیلسٹک میزائل ڈیفنس پروگرام امریکہ کے لیے سنگین خطرہ ہے. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کو اپنے خاندانی کاروبار کی طرز پر چلانے کی کوشش نہ کریں. ملک چلانے اور مہم چلانے میں فرق ہوتا ہے. ٹرمپ کو امریکی اداروں کا احترام کرنا چاہیے. امریکی صدر براک اوباما. مقبوضہ بیت المقدس میں ٹرک نے 4 اسرائیلی شہریوں کو کچل ڈالا. ڈرائیور نے جان بوجھ کر ٹرک ہجوم پر چڑھا دیا. 15 افراد زخمی بھی ہوئے. ڈرائیور ہلاک. ملک کے بیشتر علاقے سردی کی لپیٹ میں. مری میں برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری. سردی کی شدید لہر 2 سے 3 روز تک جاری رہے گی. محکمہ موسمیات. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے. ایک بار پھر ناظرین اور اب ہمارے ساتھ روز میری بھی موجود ہیں. روز میری کیا حال ہے؟ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. چھوٹی سی تھی ماشاء اللہ سے جب تم نے جو ہے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور اب ماشاء اللہ گروئنگ سو گڈ اور باہر جا کے بھی کام کر رہی ہو. پوری دنیا میں اپنا نام بنا رہی ہو. دس از سو نائس. تھینک یو. کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پتہ بڑی خوشی ہوتی ہے ہماری ینگ جنریشن کو دیکھ کر کے. بالکل آگے بڑھنے کا ان کا نا لگن ہوتی ہے. بالکل. اور میں نے ہمیشہ دیکھا آپ کی فیملی نے آپ کا بہت ساتھ دیا. بالکل. میرے پاپا نے اور میرے پوری فیملی نے بہت ساتھ دیا. جب تک نہ ہو تو تب تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. اچھا تھوڑا سا بتاؤ اپنا, جب گانے کی طرف آئی تھی تو کیا ایج تھی اس وقت, اور اس وقت بھی کیا یہ تھا کہ خود شوق آیا تھا یا فیملی والوں نے شوق جو میرا ٹیلنٹ ڈسکور کیا تھا میرے پاپا نے. مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلب میں سنگنگ کر سکتی ہوں. کیسے ڈسکور ہوا؟ ڈسکور ایسے کیا کہ پاپا بس گٹار بجاتے ہیں گھر پہ جیسے فیملی فنکشن میں, تو اس وقت پاپا کو پتا چلا کہ میں گا سکتی ہوں. یہ دیکھو صرف ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فیملی خالی ڈسکور کر رہی ہے کہ ہاں گا سکتی ہیں, لیکن اس کو آگے بھی بڑھانا, کہ اس کو آگے لے کر چلنا, پھر وہ کیسے موقع ملا؟ وہ موقع بھی پی ٹی وی نے مجھے دیا تھا. یہیں سے بالکل اسٹارٹ کیا تھا فن ٹائم شو سے. تو وہاں سے پھر مجھے باہر کے لیے کال آئی کہ مجھے وہاں پہ جانا ہے کمپٹیشن کے لیے. تو پھر وہاں سے آئی. پھر یہاں پاکستان آئیڈل ہوا, اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. اچھا جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں نا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک پی ٹی وی نے تو ہمیشہ سے لوگوں کو بہت ڈسکور کیا ہے, نئے ٹیلنٹ کو بہت زیادہ ابھارا لے کر آئے سامنے,
और हम लोग हमेशा से कोशिश भी करते हैं कि अपने शो के जरिए भी नए टैलेंट को आगे लेकर चलें, बल्कि जो नई नई चीजें आई हुई हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम आगे डिस्कवर जरूर करवाएं। तो ऐसा करते हैं, आपसे कुछ सुनते भी हैं, फिर मजीद आपके बारे में भी जानेंगे, और हमारे साथ जो ये टैलेंट भी बैठा हुआ है यहाँ पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिनके जरिए लोगों को बड़ा जो है फायदा भी हो रहा है, और आप जिस तरह से नए नए टैलेंट को लेकर भी आ रहे हैं सामने, और उनको भी आप एक तरह से हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी जो है इट्स अ प्लस पॉइंट उस टैलेंट के लिए, जो पता नहीं कहाँ कहाँ इस वक्त पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज में होंगे मौजूद, तो वो सब जो है आपके वेबसाइट से जो है कॉन्टैक्ट आपको कर सकते हैं, और उसके उसका वेबसाइट का नाम भी बताते हैं एक दफा, parlo.com, राइट? ठीक है, अब आपसे कुछ सुनते हैं, क्या सुनाओगी? मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गाना, दिल धड़के। ठीक है, ओ जबरदस्त, ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, भी बड़ी अच्छी है ना, सर मीठी सुरीली आवाज है। बाहर जाती हूँ तो कैसा लोगों का फीडबैक आता है? बहुत अच्छा फीडबैक आता है, और जब पाकिस्तानी बाहर अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ही इसकी एक अलग फील होती है। अच्छा, ये वो .com से जो बड़ा हम लोग का रिलेशन बड़ा क्लोज होता जा रहा था, TCS से बड़ा क्लोज सबका है कि मंगवाना भी चीजें, और जो है ऑनलाइन शॉपिंग बेसिकली जो है वो ये कि सहूलत है और ट्रस्ट वाली बात है। तो आप ये वो .com से कुछ मंगवाया अभी तक? अभी तक तो नहीं मंगवाया, मगर अब मंगवाऊंगी। अब मंगवाऊंगी, इतनी सारी जब चीजें पता चल जाती है तो मंगवाना शुरू कर देते हैं। पता नहीं था ना इसके बारे में, अवेयरनेस नहीं थी, तो अब पता चला है, तो इस शो के जरिए ही ज्यादातर पता चला। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी सारी ऐसी चीजें होती है जो हम सोच रहे होते हैं पता नहीं कैसे, ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रस्ट का बहुत उसमें होता है फैक्ट कि सही वो प्रोडक्ट ना हो या। अच्छा, वही चीज़ है कि जब आपका TCS का ट्रस्ट है, और वही ट्रस्ट जो है TCS पर जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट अब हर वो तो नहीं कर सकता है, इसलिए हम आराम से है ना, अब वो TCS वाला ट्रस्ट जो है वही ये वो .com में भी है,
کیونکہ وہ ایک ہی ہیں دونوں, تو وہ یہ کہ آپ کا ایزیلی وہ ٹرسٹ جو ہے وہ آپ کا دل بھی بڑا کر دیتا ہے. پھر ہاں کچھ منگوا رہے ہیں تو ٹینشن نہیں ہوگی. ہوتا نا سر, ایک کوئی فیملی ممبر آپ کا ہوتا ہے جس پہ آپ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس سے آپ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ کبھی انکار نہیں کرتے. اس طرح کا فیملی ممبر ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ یہ بتائیں کتنا لوگوں میں ابھی یہ جو ہے کامن ہو گیا ہے سکون ڈاٹ کام, اور کتنا آپ لوگوں تک سکون پہنچا رہے ہیں؟ کافی زیادہ, جب سے ہم نے اسٹارٹ کی ہے ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ لوگ اتنا زیادہ جو ہے اس سے جو ہے جلدی ٹرسٹ کریں گے. بیکاز لوگوں کو کسی انجان شخص کو آن لائن اپنے گھر پہ ویب سائٹ کے تھرو بلانا وہ اتنا آسان نہیں تھا. بٹ یہ کہ الحمدللہ کافی زیادہ اچھا رسپانس ہے, اور یہ کہ ہزاروں خواتین, جیسے آپ کے بھی شو دیکھ رہی ہوں گے, خواتین وہ کال کر کے بک کرتی ہیں الیکٹریشن اور پلمبر اور ہم جا کے کام کرتے ہیں. سو ہزاروں ہمارے کسٹمرز ہیں جو ہر منتھلی بیسس پہ ہمیں بلاتے ہیں, کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ ہم سے ہی کراتے ہیں. سکون بالکل بالکل. اچھا ایک اور چیز بھی وقاص صاحب بتائے گا کہ آپ لوگ کا ریلیشن جو ہے وہ سکون ڈاٹ کام کے ساتھ کیا ہے, کس طرح کا ہے؟ ہمارا بڑا اچھا ریلیشن ہے. ہم نے آپ کو پتا ہوگا بلیک فرائیڈے کے اوپر ہماری بڑی اچھی پارٹنرشپ تھی سکون ڈاٹ کام کے ساتھ, جس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس ایئر کنڈیشنرز آئیں گے اور جتنے بھی وہاں پہ گیزرز کی فار ایگزامپل آرڈرز آئیں گے, وہ سارے کے سارے ہم فری انسٹالیشن دیں گے سکون ڈاٹ کام سے. تو ہمارے پاس وہ آرڈرز یہ وہ ڈاٹ کام سے ڈلیور ہوئے ہیں, ان کے اوپر سکون ڈاٹ کام میں فری انسٹالیشن کریے. اچھا یہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے دور بڑا چینج ہو گیا ہے ہر چیز میں, ہم جیسا بھی سہولت کی بات کرتے ہیں, یہی ساری چیزیں جو ہیں یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ینگسٹر تو بڑا وہ انرجیٹک ہوتا ہے, لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ینگسٹر جو ہے نا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اپنے کام میں بڑا فوکسڈ ہیں, اور کچھ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اپنے ویب سائٹ اور ان سب کی سب چیزوں کے ذریعے اٹھا رہے ہیں, لیکن جو جنہوں نے پہلے استعمال نہیں کیا اپنی ینگ ایج میں, وہ اولڈ ایج پہ آ گئے, وہ اس کو کیسے سہولتوں کو ان کو جو ہے فائدہ اس طرح کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بھی آپ کے ایگزامپل اس طریقے سے دوں گا کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی ایجوکیشن ہے اور فار ایگزامپل آپ ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہیں اگر آپ, تو اس وقت آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو آپ آٹھ سے پچھلی جنریشن کے پاس نہیں تھی, وہ ہے گوگل. لیکن آپ گوگل ڈاٹ کام پہ جائیں, آپ کو صرف سوال پوچھنے کا طریقہ آنا چاہیے, جواب آپ کو وہاں مل جاتا ہے. اصل میں اتنے بعض لوگ لکھ نہیں سکتے, تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ بعض لوگ اگر لکھ نہیں سکتے تو پھر ان کے پاس پڑھلا ڈاٹ کام ہے, اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ وہ اپنا اپروچ کر سکتے ہیں اور وہاں سے رہ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل اس طریقے سے دوں کہ آج کل کے زمانے کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہیں جو پڑھ کے جو ہے ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں. بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کیا اور ایوالو کیا, چینج کیا. آپ کے سامنے نوکیا کی ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. نوکیا ایک وہ موبائل ہوتا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوکیا نہیں لیا تو اس کا مطلب کہ کوئی جعلی فون لے لیا, لیکن اس وقت نوکیا کا ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا آج کل کے زمانے کے حساب سے. جو انفارمیشن آج سے پہلے ہوتی تھی وہ اس طریقے سے آج کل ڈیلی انفارمیشن اتنی زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ ابھی جائیں گے تو کس وقت کیا باہر چل رہا ہوگا. ہاں بالکل, ٹائملی اپڈیٹ ہونا. اچھا کئی ایسی چیزیں بھی نا آپ لوگ کے یہاں پہ کال کی کوئی سہولت ہے؟ جی بالکل. سو ہم نے اس چیز کا حل اس طریقے سے نکالا ہے کہ بجائے اس کے جیسے جو سیگمنٹ لیٹس ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کا ہے جن کی 50 سال عمر ہے یا 60 سال عمر ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنا یا ٹرین کرنا عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ مشکل ہے. تو بجائے اس کے ہم کچھ ان کو ایجوکیٹ کرتے جو وہ فونس تو ہر کوئی آج کل بندہ یوز کرتا ہے, کال ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے, تو ہم نے جو ہے اپنی آن کال بکنگ سروس بھی رکھی ہے. اچھا اس کے لیے یہ آسانی دیکھیں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سکون ڈاٹ کام ہے یہ بھی اسکرین پر بھی نام آ رہا ہوتا ہے, تو جو لوگ نہیں سمجھ سکتے کیا ہے وہ تصویر کھینچ لیں, اس کی تصویر کھینچنے کے بعد اس سائٹ پر آپ جو اس کو آپ وہ جو اس پہ لکھا ہوا ہے جس طرح اس طرح لکھا ہے اس کو دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہے آپ کے ساتھ یہ آپ کے پاس یہ بھی سہولت تو آپ کال کر سکتے ہیں. اسی طرح ہی یہ وہ ڈاٹ کام استعمال کرنے والے بھی, آپ ضروری نہیں کہ آپ سائٹ پہ جائیں, آپ کو نہیں آپ چیک آؤٹ نہیں کر سک رہے ہیں, سائٹ نہیں دیکھ سک رہے ہیں, تو آپ کال کر لیں. کال کا بھی نمبر ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ کال کر کے بزرگوں کے لیے اسپیشلی بات کی جا رہی ہے, بڑی ایج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بات کی جا رہی ہے, اور وہ ویب سائٹ پہ جانا نہیں پریفر کر رہے ہوتے ہیں, نہیں ان کو سمجھ آتا کیسے جائیں, تو آپ کال کر لیں کہ کال کرنے کی بھی سہولت ہے, اور آپ کو جو چیز چاہیے آپ کال کر کے آپ پتہ کریں کہ آپ کو یہ چاہیے, وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے کہ یہ کون کون سی جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے, کون کون سی پروڈکٹ موجود ہیں اور کس کس کمپنی کی موجود ہیں, تو یہ بھی وہ آپ کو بتائیں گے, آپ کو خود گائیڈ کریں گے. تو ابھی جو ہے دیکھیں سہولت جو ہے کافی حد تک کال کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے, تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. چونکہ کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت, اچھا یو ایس اے سے ٹیکسس سے کالر ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. اشفاق صاحب. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر الحمدللہ, آپ سنا خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں جی. کیا کہیں گے؟
मैं ये कहूंगा ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोडक्ट आपने शुरू की है. दिस इज वेरी नाइस. अमेरिका में तो अमेजोन का काफी जो है ना जोरों शोर है. होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी इस चीज का काफी वो आएगा. और आपकी जो ये अपना सिंगर आई हुई है माशाल्लाह रोज मैरी, शी इज वेरी गुड. माशाल्लाह मैंने इनको फॉलो कर रहा हूँ अपना पाकिस्तान आइडल से. होपफुली शी गो काफी आगे जाए. इनके लिए ऑल द बेस्ट. तो बस मैंने आपकी प्रोडक्ट के लिए कॉल किया था कि बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये शुरू किया. जैसे हमारा यहाँ अमेजोन है वहाँ पर yayvo.com है. बिल्कुल जी, बिल्कुल जी. थैंक यू सो मच. आपने इतनी दूर से कॉल की, स्पेशली आपने अप्रिशिएट किया, आपने ऑनलाइन सर्विस yayvo.com को अप्रिशिएट किया और साथ ही आपने रोजमेरी को भी किया. और रोजमेरी भी तक मौका हुआ है ह्यूस्टन जाने का या नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, मगर जाऊंगी तो जरूर. कॉल तो आ गई है तो अब देखें वहां से भी लोग जो हैं वो जरूर, क्योंकि हमने ये देखा कि काफी ज्यादा बाहर के मुल्क से हमारे टैलेंट को बुलाया जाता है और हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त जो है छाए हुए हैं और वहां पर जाकर अपने टैलेंट को जो है वो अपना दिखाना भी अच्छा मजा आता है. वहां पर लोग अप्रिशिएट करते हैं और भी अच्छा लगता है. अच्छा मिसेज रऊफ जिनको तोहफा मिल चुका है उनसे हम बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे गिफ्ट मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ. इतनी जल्दी मैंने इतनी अच्छी सर्विस और शर्ट देख के मेरे बेटे बहुत खुश हो गए. सो नाइस जबरदस्त. आपको बहुत बहुत एक बार फिर मुबारक हो. थैंक यू बहुत अच्छी. अच्छा फील अच्छा होता है ना जैसे कोई तोहफा मिलता है इतनी जल्दी है. मुमकिन बनाया काम को. नहीं मैंने कहा तोहफा मिलता है इतनी जल्दी तो अच्छा लगता है ना. बहुत अच्छा लगता है इस तरह से. आज मिल जाता है और टीसीएस हाजिर के जरिए मिलता है. अब टीसीएस ये जो है टीसीएस हाजिर की सर्विस बड़ी जबरदस्त है. बहुत जबरदस्त. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. रोज आपको पता है टीसीएस हाजिर के हवाले से? नहीं मुझे नहीं पता. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ. देखिए क्योंकि आप जब नहीं थी इस वक्त मौजूद तो हमने एक सेगमेंट किया था ये हो या वो टी सी हाजिर हो. यहाँ पर ये दो इनाम रखे हैं जेक्यू के और एस सोर्सेज की जो टी शर्ट्स हैं ये ना. तो ये कॉलर जो है इनसे हमने पूछा सवाल किया वेबसाइट के हवाले से उन्होंने जवाब दिया. टी सी हाजिर की बेसिकली सर्विस ये कि एक घंटे के अंदर अंदर आपका कोई भी सामान कोई भी चीज कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई भी आपका. आई रिमेम्बर ईद के शो पे भी किया था. एग्जैक्टली तो ये जो है ये आपका एक घंटे के अंदर अंदर सर्विस जो है ये पहुंचा देती है आपको कोई भी आपके अपने सहूलत की चीज हो. तो हम यहाँ से हमने टीसीएस हाजिर की जो सर्विस है उस तरह से इस्तेमाल की जो तोहफे हैं ये टीसीएस हाजिर के जरिए हमारे शो के जरिए जो है ये हमारे कॉलर तक पहुंच गए और एक घंटे से पहले पहले तो बहुत जल्दी उनके पास पहुंच गए. तो उनको बड़ी खुशी हो रही थी. फौरन चीज मिल जाए ना तो अच्छा लगता है ना. वैसे टाइम ना लगे तो ये आप लोग भी हमें सहूलत इसी तरह ही दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए चीजों का टाइम ना लगे. बिल्कुल हमारा एक इम्पोर्टेंट जो फीचर है सुकून का वो ये है कि टाइम के ऊपर वर्कर ने पहुंचना लाजमी है. exactly. तो लोग एडवांस पे बुकिंग कराते हैं तो वो अपना जो स्केड्यूल है वो जो खुद की अपना रूटीन है वो उस हिसाब से सेट करते हैं. बिल्कुल. तो बाद औकात अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े नाराज होते हैं कस्टमर. बट ये कि अमूमन तौर पर जो है टाइम पे जो है. अच्छा इस पे आप लोग को बड़ा वो लेबर का भी बड़ा देखना होगा चेक एंड बैलेंस की हाँ जी वो जा रहे हैं ऑन टाइम जा रहे हैं क्या सीन है सारा ये. बिल्कुल यही एक फर्क है. मतलब आप जब आपने जैसे कहा ऑनलाइन वेबसाइट एक पूरी कंपनी है इसके पीछे काम कर रही है ऑपरेशंस के काफी सारे लोग हैं जो वर्कर्स को भी मैनेज कर रहे हैं कस्टमर को भी मैनेज कर रहे हैं. तो एक पूरी टीम है आपको सुकून पहुंचाने में जो. बिल्कुल बिल्कुल. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसके साथ ही मोहसिन हमारे साथ है उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी मोहसिन. ठीक ठाक. बिल्कुल ठीक ठाक है. आपके क्या हाल है क्या कहेंगे? अच्छा मैंने तो अभी टीवी ऑन किया तो मैंने माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज सुनी है ये सिंगर जो बैठी है. जी जी. तो काफी देर बाद मैंने लाइव में इस तरह की परफॉर्मेंस मैंने देखी है. थैंक यू. वरना इतने बड़े खान साहब आते हैं दिल करें लाइव उनसे गाया नहीं जाता पाकिस्तान में किसी पे. तो माशाल्लाह इनसे कहें कि ये ना ऐसे ही गाती रहे. और मैं हिदत्र का बांट रहा था जब खुदा वो थोड़ा सा सुनाया. चलें सही है फरमाइश देखते हैं कि एक और कॉल रहे बनाई कि कुछ और सोचो. हाँ. हम अभी आपसे सुनेंगे. सना अस्सलाम वालेकुम. सना अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? ठीक नाजियाबादी. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है. आप कैसी हैं? नाजियाबादी मुझे पीटीवी के बारे में बात करनी है. बिल्कुल कीजिएगा. मेरे क्यों नहीं नए ड्रामे चल रहे हैं ना कोई इंटरटेनमेंट गुरुग्राम में. चलिए ठीक है इंशाल्लाह. इस पर देखिए काफी ज्यादा काम हो रहा है तो और भी अभी तो वैसे तो भी ड्रामे बड़े अच्छे अच्छे हैं भी और भी मजीद जो है अच्छे नए सहमाई में ड्रामे आएंगे आप जरूर देखिएगा. ठीक है
अच्छा, अब आप क्या सुनाने वाली हैं? अब मैं वो तो नहीं गा सकती. नहीं, वो तो नहीं, आप कुछ और सुना दें. कुछ और सुना देती हूँ. हाँ, आपको एक बात जानान करते हैं. चल दसर गे जादू करती दमी नले वले ना दसर गे जादू करती दमी नले वले ना जाना 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 जिस रुपे उसी सुम रुपले दुनिया दे दा जाना जिस रुपे उसी सुम रुपले दुनिया दे दा जाना 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 मतलब भी पता है? मुझे नहीं आती. अच्छा चलो, नेक्स्ट टाइम तुम मतलब समझना और हमें भी बताना. ठीक है ना? तो मुझे लगा आपको पता है. नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं पता. गाना में अच्छा, ऑडियो में इंजीनियर है, उनको पता होगा. हाँ अच्छा सही है. चलो उनसे भी बुलाकर पूछ लेंगे. हाँ ठीक है, उनसे भी पूछ लेंगे. ठीक है सही है. ऐसे इंटरेस्टिंग के. अच्छा आपको वैसे समझ नहीं भी आ रही हो जबान की, वो धुन इतनी खूबसूरत होती है और जबान का अपना ही वैसे इतना ब्यूटी है अपनी जबान की कि वो वैसे ही इतना अच्छा लग रहा होता है. हमने एक दफा शो भी किया था इसलिए बहुत सारे इसमें टैलेंट जो थे वो आए हुए थे और डिफरेंट उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ उन्होंने अपने पाकिस्तान की जितनी जबान है उसमें उन्होंने सुनाए थे. तो कुछ जबानें भी नहीं समझ आ रही थी लेकिन वो इतनी मीठी जबान है हमारी सारी, हमारे मुल्क की इतनी खूबसूरत है. और म्यूजिक बहुत उसमें अच्छा होगा तभी आपको. म्यूजिक इटसेल्फ एक लैंग्वेज है. रोल प्ले करता है. हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अच्छा अब हम जो है और भी कुछ बात करते हैं. बेसिकली हम जब अपने पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, आप लोग कौन कौन से पाकिस्तान के शहरों में गए हैं और सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों लगा ये आप बताएं. इसके अलावा कराची में तो रहते हैं. इस्लामाबाद आई थिंक साफ सुथरा है, पीसफुल है, ग्रीनरी हाँ. खूबसूरत है. अच्छा और आपको? कराची जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पसंद है. इस्लामाबाद जो काफी ज्यादा पुरसकून है लेकिन ये कि आदत हमें कराची की हो गई है, वैसी लाइफ जो है. अच्छा और आपका? मुझे कराची ऑब्वियसली अल्टीमेट फेवरेट है मगर लाहौर इज वेरी कल्चरली रिच तो मुझे वो चीज बहुत पसंद है. लाहौर की जो हेरिटेज है और कल्चर जो है हर शहर अपनी जगह पर होता है. आपका? कराची ऑब्वियसली, देन मुजफ्फराबाद. अच्छा मुजफ्फराबाद क्यों अच्छा लगा? मुजफ्फराबाद खूबसूरती की वजह से. खूबसूरती की साइट्स जो वहाँ पे साइट्स हैं नेशनल बात है. अच्छा नॉर्दर्न एरिया तो कुछ भी है, कुछ भी हो जाए ना वो खूबसूरत ही लग रहे होते हैं. अच्छा आप जितना भी आप मतलब पूरी दुनिया में भी जाओ लेकिन जो अपने जो नॉर्दर्न एरियाज की बात है वो तो कहीं पर भी नहीं हो सकती. अच्छा आपसे हम क्विक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज रैपिड फायर. तो अच्छा हाँ रोज आपको कौन सा पसंद है भाई? कराची फॉर शोर मगर उसके बाद इस्लामाबाद मरी
क्योंकि वहाँ पे इतनी साइलेंस होती है, बहुत पुरसकून माहौल होता है. हाँ, पुरसकून आप इंजॉय करने के लिए जाओ फिर आ जाओ, लेकिन ये अच्छा है. लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं ज्यादा वहाँ रह भी नहीं सकते हम लोग, कराची वाले जो रहने वाले हैं वहाँ पर, उनसे आप पूछो, उनको यहाँ पर उनको कहते नहीं नहीं हमें अपनी जगह पर. तो हर एक अपनी जगह सबसे पहले अच्छी लगती है. बिल्कुल. अच्छा, हम जरा रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे. अच्छा, आपकी एज क्या है? 29. आपकी? 26 साल. अच्छा, आपका जो है, आर यू मैरिड या सिंगल? यू मैरिड सिंगल. ओके, और आपको ये बताएं कि आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक. ब्लैक. योर्स? ब्लैक. योर्स? ब्लैक. योर? नेवी ब्लू. अच्छा, ओके, स्लाइटली डिफरेंट. अच्छा, सही है. अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपका जो है फेवरेट पास टाइम क्या है? सोशलाइजिंग, फ्रेंड्स, हैंग आउट. अच्छा, और फेवरेट सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी पाकिस्तानी आपके काफी हैं, और मॉडल्स की अगर बात करें तो आई थिंक ऑल टाइम फेवरेट इमान अली. ओके, एंड अच्छा, व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू बॉट फ्रॉम yayvo.com? ऑलराइट, अ शर्ट फॉर श्योर. शर्ट? शर्ट. ओके, कौन सी शर्ट थी? शर्ट आपकी जो नॉर्मल स्वेटशर्ट जो होती हैं, आजकल हुडीज वगैरह जो आ रही होती हैं वो. हां, ओके, दैट वाज लाइक 2-3 weeks बैक. अच्छा, आपकी बहन भाई कितने हैं? दो भाई. ओके, अच्छा ठीक है, सही है. अच्छा, आप कितने अरसे से जो है इस फील्ड में मौजूद हैं? हम 2015 से इसमें हैं. ओके, अच्छा, सही है, ठीक है. अच्छा शोएब, एक और सवाल, आपके पास पेट्स वगैरह का शौक है कोई? बिल्कुल, बहुत. कौन से पेट्स हैं? बिल्ली. बिल्ली? बिल्ली का नाम क्या है? लीजा. जैसे बिल्ली का सुना है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है. संभालना मुश्किल होता है, लेकिन ये कि आदत हो जाती है आपको. अच्छा, इतनी मसरूफ जिंदगी में जिसमें आपने जो है अपना खाना नहीं पका रहे साथ होती है बिल्ली या होती भी नहीं है साथ? नहीं, जितना टाइम घर पे होते हैं तो आसपास ही होती है. तो इसका मतलब आपने तो नहीं संभाली ना फिर बिल्ली, घर वालों ने संभाली? हाँ, ट्रेन हो गई है वो. ट्रेन हो गई आपके बगैर रहने की. ठीक है, सही है. अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी? मूवी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा रैपिड फायर हो गई. हाँ, कोई भी मूवी, मतलब एज इन मैं मूवीज का बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ. अच्छा, ओके, चलिए आपसे सवाल करती हूँ. फायजा ये बताएं कि पहले ब्रेक, अच्छा पहले ब्रेक पे जाएंगे फिर मैं आपसे सवाल करूंगी. रैपिड फायर राउंड होगा ये, तो मैं ब्रेक की जानिब जाऊंगी. ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, वो सब कुछ सुबह नौ लाई है. ये वो और नई है सुबह नौ. ये वो और नई है सुबह नौ. लो, ये कहाँ गया? लिखिए दादी, ये लो आपके 10 रुपए. कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे. हाफ टाइम में दाग निकलेंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में. सर्फ एक्सेल पावर जो दिखाई दे, ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं, ये बालों की बात है. चिकनाई और डैंड्रफ फ्री बार पावर है क्लियर मैन से. जी खुश आमदेद एक बार फिर नाजरीन. और ये समझ नहीं आ रहा इनको कि रैपिड फायर आकर मैं इनसे पूछ क्यों रही हूँ. इनके दिमाग को एक्चुअली देख रही हूँ कि कितने ज्यादा इनके दिमाग शार्प हैं. अब आप लोगों को याद है गुस्से के सवाल के जवाब? अच्छा, बिल्कुल याद रखिएगा. मैं फायजा से कुछ सवाल करूंगी, उसके बाद फिर मैं. आपको खाने में क्या पसंद है? देसी में हलीम. कितने बजे सोकर उठती हैं? मैं सोती शायद 3 घंटे हूँ टोटल. ओह माय गॉड, कैसे हो तुम, जिंदा कैसे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छी बात है, लेकिन ये कि जरा ज्यादा सोना चाहिए इंसान की अपनी जिंदगी के लिए बेहतर होता है. आपको वैसे पेट्स वगैरह का शौक है? मुझे एलर्जी है तो मैं चाय की भी नहीं रख सकती. जो वैसे नहीं आपकी. अच्छा, चाय या कॉफी? चाय. खाने में क्या पसंद है? बिरयानी. कलर कौन सा पसंद है?
नेवी ब्लू। ओके चलिए, मैं आपके सबके सवालों के जवाब जो है एक दूसरे से, इनके सवालों के जवाब आप देंगे, ठीक है ना? कि क्या चीज इनको मैंने पूछी थी, इनकी एज क्या है? 29। ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी इनका सवाल, क्योंकि इनको सब कुछ पता होगा इनके बारे में। मैरिड है, सिंगल है? सिंगल। ओके, इनका प्रोफेशन क्या है? एंटरप्रेन्योर। ओके, और इनकी फेवरेट सेलिब्रिटी? आई फॉरगॉट। आप किसको पता है? ये तो इनको वैसे ही पता था ना, ये तो इनको वैसे ही मालूम था, हर वक्त डिस्कस करते रहते होंगे ना फेवरेट। और ये बता नहीं रहे ये। और कौन फेवरेट सेलिब्रिटी है, कुछ जिंदगी में है? हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा पर्सनल होता है ना। कोई बात नहीं, बताने में क्या हर्ज है, वो भी खुश हो जाएगी। बता दें आज मौका मिला है, शादी कब होने वाली है? अभी टाइम अभी टाइम है, अब कितना टाइम है, अब बन गए हो, अब सुकून.com आ गया है, बस अब जल्दी शादी करो। अच्छा जी, और आपके इनके बारे में बताएंगे, इनके इनका जो पेट है आप बताएं, वकास इनका वकास पेट का नाम, इनका जो पेट है फेवरेट वो कौन सा है, और ये कौन सा पेट इनके घर पर है? बिल्ली है, नीजा नाम है। अच्छा, ये भी बताओ क्या याद रहेगा? वाओ, व्हाट अ गुड थिंग। अच्छा, अब आप बताओ रोज कि इन्होंने खाने में फेवरेट क्या बोला था? किन्होंने? फायजा ने। इनका खाना, इनसे खाना तो आपने पूछा नहीं था? पूछा था मैंने, पूछा था। हाँ, रोज कहाँ थी? हलीम। अच्छा, और वकास का फेवरेट खाना क्या है? वो हाँ, इनका हाँ, बिरयानी तो मेरा भी फेवरेट है। तो मुझे चाय या कॉफी पीते हैं? चाय। ओके, सही है, ठीक है। चले, ये तो सारे सवालों के जवाब हो गए हैं, जिसका मतलब सबके दिमाग बड़े जबरदस्त है, सबको याद रहा, इवन मैं भूल गई थी, लेकिन लोगों को याद रहा। मुझसे शुक्र है किसी ने पूछा, सर आप भी बता दें। कुछ कुछ चीजें याद रहती है, कुछ कुछ इंसान भूल जाता है, और मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं था कि मैं आप लोगों से पूछूंगी, तो ये अच्छी बात है कि याद है। वैसे आप दोनों को आपस में एक दूसरे की सारी बातें पता होती हैं, डिस्कस करते हैं चीजें? डिपेंड करता है बात के ऊपर। अच्छा, ओके, सही है। और लेकिन ये ज्यादातर हम टाइम साथ ही गुजारते हैं। चले, इनसे तो पूछ लिया, इनकी जिंदगी में कोई है? ये तो नेक्स्ट लेवल पे है, वन स्टेप अहेड हो गए। शादी होगी? नहीं, उससे पहले एंगेज है। ओके ओके, चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह जल्द आपकी शादी भी हो जाएगी और फिर जाएगी। बड़ा अच्छा एक बोध भी होता है एक कि शादी के टाइम पे अब आपने शॉपिंग ऐसे करनी, तो आपने Yayvo.com से करनी है शॉपिंग। देख भी रहे हैं मामा जी, Yayvo से शॉपिंग करेंगे, डरे नहीं, आपने Yayvo से करनी है। अच्छा, ये भी आजकल बड़ी सहूलत है, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है, और सर्दियों के मौसम में आप वैसे भी चाहते हैं कि आप अच्छी से अच्छी शॉपिंग भी करें, लेकिन अक्सर मौसम जो है वो आपको इजाजत नहीं देता कि आप बहुत ज्यादा बाहर जाएं और शॉपिंग करें। तो वो शॉपिंग जो है वो आप Yayvo.com के जो है आप बिल्कुल कुछ जिम्मेदारी दें, जितना बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं लोगों ने भी ली हैं, www.sukoon.com.pt ये भी है, और साथ में आपने बड़ी अच्छी एक जिम्मेदारी लोगों की। अच्छा, कि शायर जो है, क्योंकि हमें अक्सर खवातीन जो शायर है, शायरा जो है, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से कॉल करते हैं, कहते हैं हम आगे किस तरह से बढ़े, हम लिखना चाहते हैं, तो स्पेशली छोटे शहरों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल, हमने एक पढ़ लो उर्दू करके एक पूरा हमने एक अलग से सेक्शन अपने वेबसाइट पे लगाया हुआ है, उसका अलग से फेसबुक पेज, पढ़ लो urdu.com.pk होगा, urdu.com/urdu। अच्छा, ठीक है, तो जिसको भी इंटरेस्ट है अपनी शायरी पब्लिश करवाने का, वो बिल्कुल बेझिझक होके हमें इनबॉक्स कर दे या हमें ईमेल कर दे, हम उसकी शायरी पब्लिश कर देंगे, और वो आप उसी अपने वेबसाइट पब्लिश कर देंगे, अपना नाम नंबर भी दे दें। अच्छा, नंबर भी देने में हर्ज नहीं, क्योंकि देखिए इनकी बड़ी सिक्योर्ड और सेफ वेबसाइट है, और वैसे भी आप नंबर दो तो आगे से ऐसा भी नहीं होता कि आप जो है जी आपको कोई तंग कर रहे हैं, वैसे आप लोगों के हवाले से नहीं, पैसे में जनरली कह रही हूँ, तो आप नंबर ब्लॉक भी करने की सहूलत है, तो टेंशन ना लिया करें। अच्छा, हमारे साथ एहसन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप मेहमानों को सलाम, और मैं ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सी चीजें हमें अर्जेंट चाहिए होती हैं घर में, खवातीन को ग्राइंडर जूसर चॉपर वगैरह घर में कोई होता नहीं, तो वो ऑनलाइन मंगा लेती हैं, और इस तरह वो खाना वगैरह वक्त पर तैयार हो जाता है, और भी बहुत सी आम किताबें मिल जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो मुझे खुशी हुई है, हमारे घरों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि प्लम्बर मेसन कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन को बुलाना, इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, लोग बड़ा परेशान रहते थे कहाँ जाएं ढूंढें, खासतौर पर खवातीन, तो इस वाले से इन्होंने माशाल्लाह एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। लेकिन मैं एक सजेशन इनको जरूर दूंगा कि देखें, आपने बहुत अच्छा किया, और ये बहुत अहम वक्त का मसला था, जदीद मुल्कों में ऐसे ही होता है, लेकिन जो आप भेजें घरों पर हमारे,
जो भी मेसन हो, कारपेंटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो, उनकी अपनी एक कहना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी हो और उनके बारे में एतबार के आदमी हो लोगों, क्योंकि घर में फैमिली चीजें होती है, इस बारे में थोड़ा जरूर ध्यान करें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इतने गौर से आपने प्रोग्राम भी देखा, आपका ये भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देख कर ये कि आप लोगों के जरिए जितना वर्ड ऑफ माउथ से कहते हैं कि आपने जब आप डिस्कस कर रहे हो बात, आप बाहर जाकर आप जब 10 लोगों में बैठे होंगे आप यही बात डिस्कस करेंगे कि देखें आपके लिए sakoon.com.pk मौजूद है, parlo.com है, जहां पर आप अपने टैलेंट को उभार सकते हैं, बता सकते हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, ख्वातीन स्पेशली मैं इसलिए कि स्टोरी लिखना या शायरी करना उनको बड़ा शौक होता है, और घर पे बैठकर जो है वो बेहतरीन यही हल होता है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप अपनी दिल की बात लिखना चाहते हैं, वो आप शायरी के जरिए लिख सकते हैं, और इन्होंने प्लेटफॉर्म भी दे दिया कि आप अपनी शायरी को जो है पब्लिश भी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, तो ये भी बड़ा अच्छा जो है सहूलत है। तो ये सहूलत जो है ये हम ये कहते हैं कि आप जरूर डिस्कस करें, लोगों को जरूर बताएं, लोगों से आप कुछ ऐसी बात करें जिससे आप कुछ सीख सकें, आगे सिखाने की बात भी होती है। अच्छा, रोज लोग आते होंगे, पूछते होंगे कभी कभी कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या कभी गाने के हवाले से भी पूछते होंगे हम सीखें किस तरह से, या आप सिखाएंगी, तो आप फिर क्या उनको जवाब देते हो? मैं उनसे यही कहती हूँ कि मतलब आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि हर कोई मतलब उठ के सिंगर बन रहा है, वो एक अलग बात है, मगर एक प्रॉपर बेसिक रोज की तरह से लाइव गाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, लाइव जो है ना गाना यही एक बड़ी बात होती है। प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग आई थिंक वो हर आपके म्यूजिक के जेनर को जो आप कितना देर रियाज करते हो रोज? सुबह करती हूँ 1 घंटा रियाज, और फिर शाम में फिर के लिए देखिए पूरी प्रॉपर काम है, ये नहीं कि आपने सिर्फ एक दिन याद करके ऐसा नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग चाहिए होती। तो मुझे बहुत सारे लड़कियों ने कहा था इस बारे में, तो मैंने कहा कि मतलब आप आए करेंगे उस बैठ के, उसके बाद फिर उन्होंने टाइम देना पड़ता है, जाहिर है मेरे पापा को भी मतलब बहुत ज्यादा अपने ऑफिस की लीव लेनी पड़ती हैं और सारा करना पड़ता है, मगर ये तभी मतलब आज कामयाब इंसान हो सकता है अगर टाइम और अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। बिल्कुल, अच्छा आपको सुनाओगे? मैं बिल्कुल सुनाऊंगी आपको एक गाना, देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया था सारा था, खो गए सपनों में हम, देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया था सारा था, खो गए सपनों में हम, बहुत ही जबरदस्त आपने गाना गाया। अच्छा, जिसका हमने रोज से भी पूछा था कि आप लोगों के भी फैमिली में जो आप करना चाहते थे वो आपने जिंदगी में किया,
बिल्कुल डेफिनेटली. कभी मतलब एजुकेशन के हवाले से किसने आप लोगों को आगे ये पढ़ना है या ये पढ़ना है, ऐसा तो नहीं था कि डॉक्टर इंजीनियर खाली करना? नहीं, नहीं, फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट थी. जो करना है, जिसमें पास जिस पसंद है, जो फील्ड पसंद है, वट एवर यू वॉन्ट, आपका सुख कोई रोक टोक नहीं थी कि हाँ इलेक्ट्रिशियन, मतलब इलेक्ट्रिशियन कह रहा हूँ मेरे भी वो यार मतलब इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या कुछ ऐसा नहीं. जो भी रीजन है सक्सेस से फैमिली का सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल होता है. आई थिंक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है इसकी. सो डे वन से जो भी किया उन्होंने सपोर्ट किया. हाँ पूछते जरूर थे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है या रीजन क्या है. तो अगर आप वो तो आप लोग बैठ के डिस्कस करते थे फैमिली वालों के साथ? बिल्कुल डिस्कस. कौन सबसे ज्यादा पूछता था घर में? घर में मैं तो सबसे बड़ा ही हूँ, तो मतलब आज नहीं, मतलब अम्मी अबू. हाँ अम्मी अबू बिल्कुल लाजमी पूछते थे कि ये क्यों. मतलब अम्मी ज्यादा पूछती थी अबू दादा? अम्मी या दोनों बैठ के डिस्कस? हाँ अम्मी ज्यादा टेंट, मतलब जाहिर से परेशान ज्यादा होती है चीज के ऊपर. तो जो है क्या करेगा मेरा बेटा आगे बढ़कर आगे चलकर, उनको हमेशा से वो ट्रस्ट. तो उन्होंने कभी भी मतलब आज ये उन्होंने डाउट नहीं शो किया कि सही होगा या गलत होगा. सामने से सपोर्ट करते थे. हाँ कंसर्न जरूर है बिल्कुल. अच्छा ये क्या बात ऐसी होती है, क्या चीज ऐसी होती है जो पेरेंट्स में जो आपके जो है ना आपके खुद एतमादी आपके अंदर लेकर आती है, वो क्या ऐसी चीज होती है जो पेरेंट्स आपको देते हैं? नंबर वन इज ट्रस्ट. ट्रस्ट, अगर वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, ऊपर से उन्होंने आपको इतनी आजादी दी हुई है कि आप अपनी पसंद से कोई भी लाइन ऑफ वर्क चूज कर सकते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमें कभी जिंदगी में आज तक उन्होंने ये टोका कि ये क्यों कर रही हो, इतने बजे क्यों आ रही हो, इतना जा क्यों रही हो, जो करना है करो, और सिर्फ गाइडेंस के लिए हमारे लिए होते हैं हमेशा. बिल्कुल, और यही होती है चीज देखिए सपोर्ट के साथ. आपके सपोर्ट इस तरह कि आप बल्कि अपने पेरेंट्स को बताएं भी कि एक्चुअली आप क्या करना चाह रहे हैं आगे, इसके कैसे कैसे फायदे हैं, ये आपको भी पता होना जरूरी है. तो कि आप आगे करना क्या चाह रहे हैं जिंदगी में, चाह क्या रहे हैं. इंसान जो चाह रहा होता है करना, वो आगे उससे कामयाबी भी हासिल हो जाती है. अच्छा हमारे साथ शान से हैं. शान से लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आपका क्या हाल है जी शान से, क्या सवाल करेंगी? सवाल ये करूंगी, आज शो तो बहुत अच्छा शो, तो आपके हर एक ही लाजवाब होते हैं. जो भी इन्होंने गाना सुनाया ना, देखा ना था कभी ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यारे का. मैं कहती हूँ मैं झूम मुक्ति हूँ, अगर एक दफा और एंड पे सुना दिया जाए तो शो पे चार चांद लग जाएंगे. बस हम कुछ और कुछ सुनाएंगे, मतलब रोज हमें कुछ और सुनाएंगे, लेकिन जबरदस्त आपकी फरमाइश पर. ठीक है ठीक है. चले शांजे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. अच्छा वकास, आपसे भी यही सवाल करूंगी कि क्या ऐसी बात होती है जो आपके पेरेंट्स आपको जिससे आपको बड़ा मजबूत बना देते हैं? उससे ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और अगर जैसे अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपना करियर बड़ा लॉन्ग रूट लेके चूज किया. अच्छा कैसे, क्या हुआ था? बेसिकली आई एम इंजीनियर, मेरे फैमिली, मेरे फादर इज इंजीनियर, तो उसी लाइन पे हमने चल, उन्होंने कहा था इंजीनियर बनना है, तो फिर बने या क्या हुआ था? चॉइस थी हमारे पास, लेकिन वही इनिशियली एक माइंडसेट होता है ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो माइंडसेट ही वो था लिमिटेड. तो इंजीनियरिंग की तरफ किया, टेलीकॉम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी. 5 years आई वर्क एज एन इंजीनियर, देन उसके बाद फिर मैंने स्विच किया, आई केम टू ई कॉमर्स. वहां से फिर ई कॉमर्स में आके फिर जब वो नई इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री के साथ नए चैलेंजेस थे, अब उनमें अपना वो मैथ्स वाली स्किल्स है, वो सब चीजें यूज करते फिर नाम बढ़ते. आप वो है कि आप एनर्जेटिक, हमारी नई जनरेशन एनर्जेटिक है, और वो ये जो ई कॉमर्स के हवाले से जो चीज है बड़ी एनर्जी वाली, बड़ा आपको जो है तेजी तेजी से आपको जो है वो लेकर जाती है आप, और वो सनल आपका बड़ा एक डिफरेंट आपका जो है वो एटमोसफेयर आपको मिल जाता है, सब चीजें बहुत चेंज हो जाती हैं. और वो द वर्ल्ड इसका आप तो खैर हम यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा रुझान और यहाँ पर भी हो रहा है, विच इज रियली रियली गुड. तो आपको ये बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एनर्जेटिक लगा है बेसिकली. यूजुअली मैं जिस तरह की कंपनीज में काम करता था, वहाँ होता था ये कि अगर कोई चीज चेंज लेकर आनी है एक प्रोसेस के अंदर, तो वो महीनों के प्रोसेस होते थे. कौन सा इंजीनियरिंग में कौन सा शोभा था आपका? टेलीकम्युनिकेशन. अच्छा टेलीकम्युनिकेशन था, ओके. तो वहाँ पे प्रोसेस चेंज लाने का मतलब है कि पूरी इंडिया से ऊपर हायर कमांड तक प्रोसेस आएगा, प्रोटोकॉल्स हैं, एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. ई कॉमर्स की नई इंडस्ट्री थी, तो आपको आज एक आइडिया आया, आपने देखा अमेरिका के अंदर ये होता है अमेज़न में, आपने बोला ये हम ये क्यों नहीं करते, तो उस आइडिया को आप आगे जो है लेकर अपने आइडियाज नए नए भी लेकर आगे जवाब मिलता आप कर सकते हो, आप कर ले. That is so good. फ्रीडम मिलता है, फ्रीडम बहुत है. आप सोचते हो और आप उसे फॉरन इम्प्लीमेंट करते हो, ना कि आपने अगर कुछ चेंज कराना है तो महीनों का और सालों का प्रोसेस होता है. एक्चुअली वही चीज है, ठीक है, एक 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 जगह की प्रोसेसिंग है, आपने उसी 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 तरीके से चलना है, वो वाली बात भी होती है. लेकिन जब आप खुद कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, तो फिर आपका वो आप रोक नहीं सकते अपने आपको, फिर आपका दिल करता है कि आप ये भी करें वो भी करें. तो ये अच्छा है कि आप लोगों ने आज बहुत सारी ऐसी बातें भी हमें बताई, जिससे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, बहुत सारे वालदैन भी देख रहे होंगे. बेसिक ये है कि वालदैन को अपने बच्चों को बड़ा आगे बढ़ाने के लिए उनको मजबूत करना जरूर, जितना भी फायदा ने कहा, ट्रस्ट ट्रस्ट
इज अ मेन की एक्चुअली. और बच्चों के साथ बैठ के बात जरूर करें, डिस्कस जरूर करें, उनको उनसे पूछें जरूर कि वो क्या चाहते हैं. जिस तरह रोज को उसके अपनी फैमिली वालों ने डिस्कवर किया, उसके अब्बू ने इसको डिस्कवर किया कि कितना अच्छा गा सकते हैं, उसको आगे इसी फील्ड में बढ़ाया भी. तो ये जब डिस्कवर भी करें, आप बात भी करें, तो उनसे उनके जो अपनी फील्ड जो चूज करना चाहते हैं उस पर थोड़ा सा उनको एनकरेज भी जरूर करें. अच्छा, हम टीसीएस बॉय को दावत देंगे कि वो तशरीफ लाएं. टीसीएस सेंटिमेंट के हवाले से हमारे पास बड़े जबरदस्त जो है इस पर फूल, वाओ, और ब्यूटीफुल फ्लावर्स एक एक करके हम देते जाए, ताकि हम एक एक करके अपने मेहमानों को जो है वो लाए चले जाएंगे. सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स. और ये फूल जो है, सबसे पूछूंगी, सोच लें अपने अपने के फूलों के बारे में क्या कहना है, और स्पेशली टीसीएस सेंटिमेंट्स के हवाले से कि जब अचानक से कोई तोहफा आ जाए टीसीएस सेंटिमेंट्स का तो क्या फील होता है. जी थैंक यू. ये देखो आज तो तुम्हारे कपड़ों से मैचिंग हो गया है ना. एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और मेरे भी कपड़ों से थोड़ा बहुत मैच कर रही है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में भी तशरीफ लाने का और हमें ये खूबसूरत से फूल भी देने का. और ये फूल जो हैं ये टीसी सेंटीमेंट्स की जानिब से हैं, और जब ये तोहफा मिलता है फूल का तो अच्छा भी लगता है, अच्छा महसूस भी होता है. क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है, इसकी स्मेल भी काफी अच्छी है. तो आप जाके अपनी मंगेतर को तो नहीं दे देंगे? इसको रोक लेते हैं, मैं उन्होंने देख लिया होगा कि ये मुझे गिफ्ट मिला है, मैं पास ऑन नहीं कर सकता. अच्छा, सही बात है, उनको पता चल जाएगा. फरमाइश हो जाती है कभी कभी या नहीं? अक्सर और बेशतर हो जाती है. अच्छा, टीसीएस सेंटीमेंट जो है वो हाजिर से तो हम काफी दफा जो है ये भिजवाते रहते हैं. और आप बताएं कैसा लगा फूल? बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग है इसका, वो स्मेल भी बहुत अच्छी है, इट्स वेरी फ्रेश. हाँ, अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, फाइजा. फाइजा जिनको जो है इनाम भी मिला था टीसीएस हाजिर के जरिए जैकेट. हेलो जी, सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत मुझे तो मुबारक हो आप लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से आप लोगों को. जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये खुशी का इजहार जो है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, जबरदस्त वाला. क्योंकि मुझे इतनी जरूरत थी, और मेरे हस्बैंड सुबह ही कह रहे थे इतनी सर्दी है यार, इतनी सर्दी है. मैंने बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लिया. और देखिए पता नहीं कैसे कॉल मिली और कैसे गिफ्ट मिला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा. सो स्वीट. देखो ये आपका दिल से था ना कि आपने कोई तोहफा देना है उनको. बस बस मुझे तो इतनी खुशी है कि बस मैं कह रही हूँ वो जल्दी से शाम हो जाए और वो आ जाए और मैं दिखाऊँ कि ये देखिए. उनको वैसे भी पता है, उनको पता है कि आपको मिला तोहफा अभी? नहीं, अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता. वो आएंगे, मैं उनके हाथ में दूंगी और बोलूंगी अब आपको कल से ये पहनना. जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा. चलिए आप भी जो है वो सरप्राइज देंगी हमारे शो के जरिए, टीसीएस के जरिए, टीसीएस हाजिर के जरिए. जी थैंक यू सो मच. ये समझ लें कि ये जिनको पहुंचना था ना आज, ये वो गिफ्ट. बस ये वही आपकी वही दिल की ख्वाहिश थी तो हो गया. चल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी. अच्छा वकास, कैसा लगा फूल मिलके? फूल बहुत अच्छा, खुशबू भी अच्छी. बस ये ई कॉमर्स वाले इतने से बात करते हैं क्या? एक्सप्रेशन जो होते हैं वो फील जब आती है, वो फील. हाँ, ये वाली ठीक है, ये चैनल के एक्सप्रेशन यही तक है, बस इतना है. ओके फाइन, ठीक है. आपकी गर्लफ्रेंड शादीशुदा कोई कुछ भी अभी नहीं? ठीक है सही, इसीलिए भी वैसे फूल सूंघ लिए, वरना इंतजार रहेगा कि जी फूल आएंगे कब मेरे पास, तो पाएगा कब. अच्छा रोज कैसा लगा? और एकदम बिल्कुल मैचिंग हो रहा है हमारे फूल, बहुत अच्छा लगे मुझे, बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेश है, ये ज्यादा अच्छी बात है. अच्छा क्या क्या फील होता है जब कोई तोहफा मिलता है, तो स्पेशली टीचर सेंटीमेंट्स के? मुझे तो वैसे ही सरप्राइजेस का बहुत शौक है. हाँ, खोलने का, तोहफे खोलने का बड़ा शौक है. अंदर कुछ भी हो, किसी का भी हो, मैं अपने बहन का भी खोल लेता. और कुछ अच्छा लगता है तो रख तो नहीं लेती? बहुत अच्छा लगता है. और आई थिंक उनके तो रख तो नहीं लेती? नहीं नहीं रखती, बस खोल के उनको दे देती है. वो ना छोटे होते हैं बच्चे, मुझे ये वाला अपने भाई का तोहफा भी भेजना तो अच्छा लगा मुझे, ये वाला चाहिए. मैं उनको खोल के दे देती हूँ. अच्छा, और बाकी ये है कि कोई गिफ्ट मिलता है जो जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आपको कब कोई गिफ्ट मिल जाए. तो ये तो एक्सपेक्टेड था ना? हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड था. हाँ, मगर जो गिफ्ट एक्सपेक्टेड नहीं होते. हाँ, हाँ, वो उसकी आई थिंक फीलिंग ही अलग होती है वो. सही कहा, बिल्कुल सही कहा. आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील भी होता है, और ये वाकई फीलिंग्स वो होती हैं जो आप एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं. तीसरे सेंटिमेंट्स का अगेन मैं आपको यही बोलूं कि जनवरी का महीना है, अभी भी न्यू ईयर के तोहफे जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि जनवरी तक तो आप जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं बल्कि. और टीसीएस सेंटीमेंट्स के जरिए आप केक भी भेजें, आप फूल भी भेजें, तो पूरे साल ही भेजना चाहिए गिफ्ट. हाँ, तो हर एक टाइम आता रहता है ना, भी किसी की सालगिरह आ जाएगी, किसी की एनिवर्सरी आ जाएगी, किसी का कोई ओकेजन आ जाएगा, तो वो आप बिल्कुल आप फूल भी भेजें, आप उनको जो है केक भी भेजें, तो ये मुझे वो ये सारी वो फीलिंग्स हैं
जो आप एक दूसरे को जरूर आप दे सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपने जो है बताया भी कि आपकी भी क्या फीलिंग्स थी। बेसिकली हम यही बात कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे को अपने अपने जो है ना क्या कहते हैं वो अच्छी बात जो है वो शेयर करना वो बेस्ट होता है, तो वो शेयर करना जरूरी है ताकि आप अपनी फीलिंग्स भी बता सकें और कहने से जो है चीज बेहतर हो जाती है बनिस्बत इसके कि आप खामोश रहो। तो आप इजहार अपना करें तीखे सेंटीमेंट्स के जरिए, फूलों के जरिए, अपने आप के अभी किसी से नाराजगी हो स्पेशली न्यूज के हवाले से तो आप उनको फूल आप जरूर भिजवाएं, लेकिन जिनको भिजवाएं वो वापस ना भिजवा दें मतलब वो एक्सेप्ट करें फिर। ये भी अच्छा ये भी होता है कि आपकी किसी से नाराजगी है लेकिन नाराजगी के बाद जी आपने दोस्ती करने की कोशिश की, अगला जी मैंने तो दोस्ती नहीं करनी, फिर आप क्या करें? कभी ऐसा हुआ है वैसे कि नाराजगी किसी से दूर की हो? नाराज ही नहीं हुए कभी किसी से? नाराजगी हुई है लेकिन कभी मतलब अगर नाराज हो गए चलो नाराज हो बस ऐसा हो जाता है। दोस्ती होती है बिल्कुल कैसे होती है? बात करते हैं चीजें सॉल्व करते हैं। अच्छा चीजें रॉक करते हैं जो भी है। आपका? नहीं आज तक तो ऐसा इत्तफाक नहीं हुआ लेकिन आपने आइडिया दे दिया है लोगों को तो मेरे ख्याल में आप जब वैसे नाराजगी हुई है अभी तक? जी जी नाराजगी तो मतलब बस फौरन दोस्ती कर देनी है। फिलहाल तो दोस्ती है क्या इन्हीं की बात तो नहीं कर रहे? अच्छा आपका क्या कोई किस्सा कोई हुआ है कभी जिंदगी में? मैं इतना ज्यादा किसी से बात ही नहीं करती ज्यादा। बहन भाइयों से तो नाराजगी होती है मगर वो ऐसी होती है कि वो बहन भाई का रिलेशनशिप तो ऐसी होता है आप इतना भी लड़ लो है। वैसे अब आजकल जो है एक प्लस पॉइंट ये है वैसे अब आजकल हम यही देख रहे थे अल्लाह का शुक्र है वैसे कि वो जो एक होता था ना कि ओ बस जी लड़ाई हो गई तो जी बात ही नहीं करनी है जी उससे तो मैंने शक्ल ही नहीं देख रही है, ये चीजें अब नहीं हो रही हैं। हमारी नई जनरेशन हमारे जो यूथ है वो एक दूसरे से दोस्ती का इजहार एक दूसरे से क्लोजनेस बड़ा वो पसंद करते हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ इसमें असल में आजकल वो चीज ऑनलाइन होती है हम ब्लॉक कर दिया ये बेस्ट होता है हमने ब्लॉक ही कर दिया जी। नहीं उसमें भी बड़ा मजे का सीन होता है आपने किसी को ब्लॉक कर दिया हमें दोस्ती हो गई आप उसको बताएं कि तुमको ब्लॉक किया था। हाँ अच्छा मेरी दोस्तों से मेरी एक दफा जो है ना ऐसी ऐसी एवं वो हो गई नाराजगी हो गई मतलब कुछ कोई बात ही नहीं थी ना। अच्छा हम दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया अब वो ये कि अब दूसरे को दोबारा से वो कनेक्ट ही नहीं किया मतलब दोस्ती बहुत अच्छी है एक्सट्रीम की अच्छी दोस्ती होगी लेकिन फेसबुक पे कनेक्ट नहीं किया अभी तक एक दूसरे को तो ये भी एक सिचुएशन हो जाती है कभी कभी। लेकिन ये है कि दोस्तियां जो है वो हमेशा रखनी चाहिए नाराजगियों को फौरन से जो है दूर करना चाहिए और फिर मैंने आपको तरीका भी बताया तीसरे सेंटीमेंट के जरिए आप फूल भेजने केक भेजने लेकिन दूसरी तरफ से भी रिटर्न नहीं होना चाहिए वो भी एक्सेप्ट करें और नाराजगियों को दूर करने की कोशिश करें। और मैं आपको एक और डील भी बताऊं डील ऑफ द डे PTCL 4G EVO टैबलेट जो है ये आपको मिलेगा विद फ्री इंटरनेट 50% ऑफ में yayvo.com से तो आप फौरन से इसको आज ही मंगवा लें और ये बड़ी जबरदस्त डील है वरना फिर ये कि ये डील जो है वो खत्म होगी फिर आप कहेंगे ओ माई गॉड काश मैं इस डील का जो है फायदा उठा लेता। तो ये देखिए सर्दियों में वैसे हम कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं कि बड़ा जबरदस्त जो है मौका होता है कि आप लोग को जो है डिस्काउंट वगैरह भी मिल रहे होते हैं तो आप yayvo.com यूजली जाया करें और जाकर वहां पर आप देखा करें कि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी डिस्काउंट। अच्छा मजा भी बड़ा आता है आप जब जाते हैं आपको एक चीज देनी होती है लेकिन आप और चीजें भी देख रहे अच्छा ये भी मौजूद है तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप उसे सेव कर लेते हैं। हाँ वैरायटी बहुत ज्यादा होती है बिल्कुल। अच्छा हम नई जनरेशन के लिए जो हम ये बात करें कि एप्लीकेशन भी हैं वेबसाइट्स भी हैं नए नए आइडियाज आ रहे हैं इसके हवाले से क्या आप मैसेज देंगे लोगों को? आई थिंक अभी जिस तो हमारा जो दौर है जो अभी जनरेशन चल रही है सब इतने जैम पैक होते हैं अपने काम में चाहे पढ़ रहे हों या जॉब कर रहे हों हर किसी को कन्वीनियंस चाहिए होता है हर किसी को ईज चाहिए होता है घर में बैठे रहे सब कुछ होता है चाहे वो आप TCS Yayvo की बात करें आपको बाजार नहीं जाना पड़ता घर में सारे कपड़े ऐसे हैंडीमैन सर्विस की बात करें सुकून डॉट कॉम पे या पढ़ लो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट तो आई थिंक ये कन्वीनियंस जो है एग्जैक्टली या आई थिंक मेरा एक ही मैसेज होगा कि इतनी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं मतलब हम कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं हर प्रॉब्लम जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरफ लीड कर रही है तो अपॉर्चुनिटीज बेताश हैं आपने सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करनी है और जो है अपने आप पर भरोसा रखें आप देखेंगे कि खुद ही फायदा होगा। बिल्कुल आप इंजीनियर के उससे लोगों को ट्रस्ट का बहुत इश्यू है तो उनको मैं एक ही मैसेज ये देना चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं हम लोग आप लोग का ट्रस्ट चाहते हैं क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर और उसको प्रमोट करने के लिए वो सिर्फ आपकी आसानी के लिए है तो आप लोग बिल्कुल हम पे ट्रस्ट करें बिकॉज हम लोग भी आप में से ही हैं
تو آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کون اجنبی ہو, کس طرح کا رسپانس ہو یا کیسا رزلٹ آئے یا ہماری انفارمیشن ادھر ادھر کر دیں. تو یہ چیز آپ نے بالکل نہیں سوچنی, آپ بے جھجک ہو کے آن لائن شاپنگ بھی کرنی ہے اور آن لائن پلیٹفارمس ایکسپلور بھی کرنی ہے. دہی ڈائی جی آپ سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آج کیا کرنا چاہیے, آپ کے بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو پوچھیں گے کیسے کروں کیا کروں. سینٹ بھی ایگزامپل دیکھے, مجھے بھی گانا گانا ہے, تو ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے بھی سکون کی طرح کچھ کھولنا ہے, مجھے بھی یہ وہ کی طرح کچھ کھولنا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کا پیشن اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو فالو تھرو کریں. ہوتا ہے کہ لوگ شروع میں بات کرتے ہیں, اب ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ آپ لوگوں سے بات کریں گے مجھے تو گلوکار بننا, ہم اس سمت تو چلے جاتے ہیں لیکن ہمارا اندر کا پیشن ہے یا نہیں ہے. اب آپ کا جو پیشن تھا وہ آپ نے جو ہے اپلائی کیا, اس کو اپنایا, تو آپ کو ان کے بھی پیشن ہے. آئی تھنک یہ پیشنیٹ ہے. آج میں بھی اس جگہ پیشنیٹ ہوں, روز جو اس وقت جو خوشبو سونگ رہی ہیں پھولوں کی, یہ بھی پیشنیٹ ہے. اپنے گانے کے حوالے سے پیشنیٹ ہے. آئی تھنک جو اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے, جب تک پیشن نہیں ہوگا نا مزہ نہیں آئے گا. چلیے اب اپنے ناظرین سے جو ہے ہم اجازت بھی لیں گے اور ہم آج کے شو کا اختتام بھی کرتے ہیں اور کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن جاتے جاتے روز سے ہم کہیں گے کہ خوبصورت اپنی آواز, خوبصورت سی آواز میں خوبصورت سا نغمہ ضرور سنائیں. اور ہاں تھوڑا سا ہم کھڑے ہو کے جو ہے نا آپ پرفارم کریں. ہاں بالکل, ہاں ہاں جو کوئی سا بھی سنا دو. اس میں ہم نے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں لگایا, لیکن ذرا تیز تیز ہونا چاہیے. اچھا والا ہاں کیا سنانے لگی اب, وہ کریں گے ہے جس بجن. ہاں زبردست, ویری ویری نائس. ٹھیک ہے ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہے, جذبہ جنوں تو ہمت نہ جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان. محنت اپنی ہوگی پہچان, کبھی نہ بھولو سب کی کے باہر مسلم لیگ دون کے رہنما میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. بڑا بڑا کھول کے سانس لینے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے باہر گر چکی ہوتی ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ نعیم بخاری صاحب جس طرف بھی جائیں, جون سا بھی آرگیومنٹ بلڈ کریں, جب ان کو سوال پوچھ